कैसा लगा चोरी करने बाद चोरी करने में तो अच्छा लगा बाद में पछतावा हुआ क्यों कि गलत काम कर दिया ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल मिलेगा दस हजार क्या, क्या किया दस हजार का गरीब लोगों को बांट दिया गरीब कुत्ता जिसको ठंड ओण्ड लगता है ऐसा क्या अल्लाह का तो दोस्तों कैसा लगता है आयन ने देखने के बाद में एक बच्चा कह रहा है कि आयन ने देखने के बाद में तो सर अच्छा लगता है पर बाद में पछताव हुआ कि इतने दिन से हम लोग क्यों नहीं देख रहे थे सर अब देखना स्टार्ट कर दिया तो अब छोड़ेंगे नहीं सर बिल्कुल भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए <laughs> ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे देखते हुए वी वीडियो इतनी हंसी आई मेरी मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा मनोरंजन करते हैं तो देखो चोर भी दिल का अच्छा है बंदा ठीक है मतलब जानवरों का भी ध्यान रखे हुए है। किस तरीके से ये देखो दस हजार रुपए कमाया और वो भी उसने क्या किया जानवरों के लिए बांट दिए तो इसको कहते हैं बड़े दिल का इंसान चोरे पर लेकिन बड़े दिल का इंसान है इसको कहते हैं रोबिन हुड अप्रोच ठीक है तो जोश कैसा है दोस्तों आज तो यार नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है और इस सप्ताह को इतने शानदार तरीके से इंजॉय करने कि ये बचा हुआ महीना भाई साहब मजा ला दे जिंदगी में और वो कैसे आएगा जब सिस्टमेटिक वे में आप लोग अपने दिन को प्लानिंग के साथ में स्टार्ट करोगे अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था तो एक बच्चे ने बड़ी सटीक बात बोली आप लोग भी इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो जैसे कि जैसे कि आप लोग जब भी कोई प्लान बनाया करो वो वो प्लान बनाकर जैसे मैं बोलता हूँ ना टू डू लिस्ट बनानी है कि आज का दिन कैसे आप लोग निचोड़ने वाले हो कैसे यूटिलाइज करने वाले हो उसको लिस्ट को बनाकर अपने किसी मतलब घर वाले को या फिर किसी दोस्त को दे दिया करो कि आज का मेरा शेड्यूल ये है और बस उसको ये बोलना है कि बस मेरे से शाम को एक बार पूछ लेना कि मैंने क्या क्या पूरा किया है और कुछ नहीं और उसके अलावा कुछ नहीं करना है आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखना और अगर किसी के पास में ऐसा इंसान नहीं है तो ये सेम बात जो है एक बच्चा कमेंट में बोला था कि सर जब से आपने पूछना स्टार्ट किया है तब से मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बढ़ गई है मेरा टाइम यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है मैं अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ तो ये क्या तरीका है ये तरीका यार ये है कि जिंदगी में जब आप लोग अपने काम को ढंग से स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोग ऐसे ही रिजल्ट देते हैं जैसे यहाँ पर देखो डिम्पल जी के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी कि सर हालांकि टारगेट जो है कंप्लीट नहीं कर पाए पर लेकिन फिर भी डेली रेगुलरली अपना पूरा शेड्यूल जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो इससे क्या है इससे इनको एक मोटिवेशन बना रहता है कि पब्लिकली तुमको बताना है कि तुमने आज क्या अचीव किया है तो एक तरीके से ये चीज ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है आप लोगों का लाइफ में रवैया चेंज हो जाएगा चीज़ों को देखने का आप लोग करके देखो इसको अगर नहीं करोगे तो फिर देखें नुकसान भी किसी और का तो होने वाला है नहीं है वो भी आप लोगों का ही होना है तो क्यों ना इसको एक बार ट्राई करके देखो अगर ट्राई करके मजा नहीं आया और आप लोगों को फायदा नहीं हुआ तो फिर छोड़ देना ना कौन आप लोगों को डेली फोर्स कर रहा है काम करने के लिए पर एट लीस्ट एक बार ट्राई करना तैयार बनता है ना एक बार ट्राई करके देखो उसके बाद में अगर लग रहा है कि नहीं ये तो फालतू की चीज़ है उसके बाद में छोड़ देना पर मैं यकीन से कह रहा हूँ कि एक बार आप लोगों ने इसको ढंग से ट्राई किया ना आप लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हो ये एक ऐसी चीज है जिंदगी में आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेकर चलो जिससे कि कोई आप लोगों को पूछे कि ये कर रहे हो कैसे कर रहे हो जब कोई टोकने स्टार्ट कर देता है ना हल्का फुल्का तो आप लोगों को थोड़ा सा जवाबदेही लगने लगती है जैसे मैं बोलता हूँ ना मॉर्निंग में किस टाइम उठे हो ये डेली बताया करो मॉर्निंग में उठकर अपना बॉयल थोड़ा सा लेकिन वॉम वाटर पिया है कि नहीं पिया है अपना आज का शेड्यूल बना लिया है ये वीडियो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आप लोग देख रहे हो मॉर्निंग में उसको उठकर और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो जो भी आप लोगों को लगता है तो पाँच नंबर में से आप लोग कितने मिलते हैं बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पाँच में से पाँचों के पाँचों लेकर जाते हैं और अगर आप लोग उनमें से एक हो तो अपनी पीठ थपथपा लिया करो बहुतों की बस की बात नहीं है ठीक है टाइम पर उठना सारी चीज़ें फॉलो करना ये अपने ही आप में आप लोग को यूनिक इंसान बना देता है ये यकीन नहीं मानोगे आप लोग जब ये चीज़ें देखोगे ना आप लोग खड़े होकर आस में भाई साहब खुद देख लो मतलब इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं और कितने से लोग जो हैं वो प्रॉपर उस शेड्यूल को लिखते हैं तो ये है रियलिटी मुझे उंगलियों पर नाम याद हो गए आधे लोगों के तो जो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि मैंने कहा अच्छा ये लिख रहा है इसका ये शेड्यूल पूरा हो गया जब मैं कमेंट में कोई गो थ्रू होता हूँ ना तो सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं तो ये आप लोग खुद सोचिए कि आप लोगों को क्या करना है तो इस तरीके से जिंदगी को लेकर चलिए कि लाइफ में प्रोग्रेस आप लोगों का आगे बढ़ता रहे अच्छे से और सबसे बड़ी बात यह है यार नया साल आने वाला है तो क्यों ना नए साल को इस तरीके से आगाज करो कि नए साल पर कुछ नया नहीं होगा आज से ही कुछ नया करते हैं जब नए साल में एंट्री कर तो उस टाइम पर जोश में चल रही हो जिंदगी पूरी तो तब कैसा मजा आएगा और जो सोचे बैठा है कि नहीं नए साल में ही करेंगे तो यार ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहो तो वही बातें होगी फिर ऊपर वाला भी क्या आप लोगों के भरोसे बैठो वही मांझी मूवी वाला डायलॉग ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है नाम बताओ क्या है इनका और बहुत ही इंपॉर्टेंट का मतलब तो इंपॉर्टेंट है भारत रतन अवॉर्डी ये पर्सनैलिटी है और इन्हीं के नाम से मतलब इन्हीं के रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं अब आप लोग बताइए ये पर्सनैलिटी कौन है आर्टिकल बहुत शानदार शानदार आएंगे यार आप लोगों के चक्सू खुल जाएंगे ऐसे ऐसे आर्टिकल है मतलब सुनकर मजा आएगा अच्छे से एक एक आर्टिकल आप लोग सुनिएगा अच्छे से का मतलब होता है अच्छे से ताकि क्वेश्चन भी पूछे तो उसका आंसर दे सको आंसर राइटिंग में बोले तो आंसर राइटिंग लिख सको कोई आप लोगों को बोले कि टॉपिक पढ़ाए के तो उसको पढ़ा सको किसी से साथ में बैठकर डिबेट और डिस्कशन कर सको ये होता है चीज़ों को अच्छे से तैयार करना ठीक है तो अच्छे से एक एक चीज़ें देखेंगे सबसे पहले अपनी मिट्टी के साथ में आप लोगों को कनेक्ट कराता हूँ मिट्टी ये वही मिट्टी है जो हम लोग को खाना देती है और इसी मिट्टी से आज की डेट में आप लोग मिट्टी से निकला इंसान मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन तो इसी मिट्टी से आज की डेट में हम लोग इतने कनेक्ट हो चुके हैं पर लेकिन इसी मिट्टी को हम इतना पोल्यूट भी कर रहे हैं जिसकी कोई सजा नहीं है तो सोयल यानी कि मिट्टी और फूड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है अगर मिट्टी हम लोगों ने पोल्यूट कर दी तो हम लोगों ने फूड पोल्यूट कर दिया और फूड पोल्यूट कर दिया तो हम लोगों ने अपना बॉडी को पोल्यूट कर लिया और बॉडी पोल्यूट हो गई तो फिर तो अपनी जिंदगी पोल्यूट हो गई है फिर तो सुधारते रहो तो ये पाँच दिसंबर जो है वर्ल्ड सोयल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाते हैं और ये अवेयरनेस फैलाता है कि सोयल की जब हेल्थ अच्छी हो तो उसका ह्यूमन के अच्छी हेल्थ से क्या इंपैक्ट पड़ता है जब सॉयल की हेल्थ अच्छी हो तो हमारी भी हेल्थ अच्छी होगी ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो सोयल से फूड निकल कर आता है इसलिए वेयर फूड यानी कि मिट्टी में से खाना निकल के आता है एक बीज डाल दो वो बीज आप लोग को पेड़ में मिलेगा बीज डाल दो बीज आप लोग को फसल बनी मिलेगी वो मिट्टी से ही निकल कर आती है तो ये आप लोग देखिए तो मिट्टी जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही अच्छी हमारी हेल्थ रहेगी इसलिए बोलते हैं कि जो भी आज के दिन में फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं उनसे दूर हटकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग को यूज करना चाहिए ठीक है पर लेकिन किसानों की भी मजबूरी है यार यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना उनकी पैदावार पर इंपैक्ट डालता है और पैदावार कम होती है तो फिर उनकी जिंदगी जो है वो दिक्कत में पड़ने लगती है तो सोल्यूशन गवर्नमेंट भी खोज रही है बहुत सारे और आगे और भी सोल्यूशन निकलेंगे तो देखते हैं कब तक चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाती है वैसे सोयल एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर में एनसीआर के अंदर भी जाकर देखोगे ना तो बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों को नजर आएगा क्योंकि जब सोयल यानी कि जो मिट्टी है जब उसको बनाने की बात करते हैं तो वो एक सिस्टेमेटिक वे में बनती है ठीक है क्लाइमेट एक तरीके से ऑर्गेनिज्म रिलीफ एक प्रॉपर पेरेंट जो एक पेरेंटल मेटीरियल होता है ना इसी के साथ में एक टाइम लगता है तो एक फैक्टर होता है जब कहीं पर मिट्टी बनती है बिल्कुल ऐसे ऐसे पेड़ पौधे आप लोग देखोगे कि आप लोग को लगता है जहाँ बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पहले भी ऐसे ही जंगल रहे होंगे आप लोग देखो कहीं पर अगर कोई छोटे मोटे पेड़ लगने स्टार्ट हो गए हैं तो फिर वहाँ जीव जंतु तो आने स्टार्ट हो गए फिर कुछ झाड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई तो एक पैटर्न में चीज़ें चलती हैं तब जाकर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो आज जो है बैठकर ज्योग्राफी की एनसीआरटी उठाना उसमें सोयल वाला चैप्टर देखना काफी कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो कि वॉलेंट्री यानी कि उनके ऊपर कोई बैठा नहीं है बस वो अपनी इच्छा से हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं हर जगह पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहते हैं जहां समाज में कुछ अच्छा करने की बात आती है तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे वॉलेंटियर मतलब अपनी अपनी मर्जी से मतलब जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण अपना ही दे देता हूं मतलब कि जैसे कि ये जो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ना मेरे सर पर कोई बैठा नहीं है कि आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना है और आप लोग जब ये लेक्चर देखने आ रहे हो ना आप लोग कोई फोर्स नहीं कर रहा है लेक्चर आप लोगों को देखना है तो आप लोग वॉलेंटरी अपनी इच्छा से लेक्चर देखने आ रहे हो मैं अपनी इच्छा से लेक्चर बना रहा हूं तो इसी तरीके से जब किसी ऐसे काम के लिए हम लोग आगे निकल कर आते हैं जो समाज को पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है तो वो होता है एक तरीके से वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का तो एक तरीके से इसको नया भूले जाने वाला कंट्रीब्यूशन आप लोग एक अचीवमेंट सोसाइटी के अंदर बोल सकते हो तो सोलिडेरिटी थ्रू वॉलेंटियरिंग यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर भी काम किया जाए और अच्छे से सोसाइटी को आगे लेकर भी चला जाए ऐसी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो तो कभी भी कहीं पर भी जैसे आप लोगों ने कुछ पढ़ भी लिया यहाँ से कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो मैंने पढ़ाया जो कि आप लोग किसी को बताओ तो उसका फायदा हो सकता है

बाकी लेक्चर में बहुत सारी पॉइंट डिस्कस करूंगा मज़ा आने वाला है एक एक पॉइंट आप लोग सुनकर चलिएगा ढंग से और इसी के साथ में क्वेश्चन जब पूछता हूँ ना उनको ढंग से आंसर दिया करो खासकर आप लोग जब कई बार ना क्या करते हैं क्वेश्चन पूछे इतने सारे एक आंसर दे के भाग गए <laughs> ऐसा लग रहा है क्या ही बोलो बस कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है एक बच्चा कह रहा है सर इसको अब सर्च करना पड़ेगा मुझे मैंने कहा ये सही था ठीक है वो भी मैं ही कर दूंगा ठीक है वो ना जब जॉब भी मैं ही कर लूँगा पेपर भी मैं ही दे दूंगा जाकर फिर मेरी जिंदगी एक तरह से चलेगी फिर आपका क्या फ़ायदा उसमें तो यार जिंदगी में थोड़ा सा तो एफर्ट डालो ना आप लोगों की जिंदगी है आप लोग ने इंप्रूव करोगे तो कोई और कैसे इंप्रूव कर सकता है उसको यार आप लोगों को ही इंप्रूव करनी है तो इस तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट करो कहाँ चाहते हो देखना एक साल के बाद अपनी जिंदगी को भी सोचा है पाँच साल के बाद में दस साल के बाद में अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हो छोड़ो पाँच साल दस साल की बात है इस महीने के एंड में कौन सा इंप्रूवमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में आप लोग ये तो ये आप लोगों को देखना है तो ये चीजें जब तक आप लोग नोटिस करना स्टार्ट नहीं करोगे ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी और ये सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी और आप लोगों की जिंदगी भी चलती रहेगी तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कैसी जिंदगी चाहिए आप लोगों को ओके दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज है इसके ऊपर आप लोग पांच छः अगर स्टार लगा लो तो वो भी कम होंगे और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई और ये आप लोगों से तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी बात क्या है पूरे डिटेल में बताऊंगा इंडिया भी इन्वॉल्व है इसमें दुनिया भी इन्वॉल्व है इसमें और इसमें सही और गलत वाला एंगल भी इन्वॉल्व है यानी कि एथिकल इशू भी इन्वॉल्व है इसमें ठीक है इंटरनेशनल रिलेशन भी इन्वॉल्व है इसमें और इसी के साथ में इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था भी इन्वॉल्व है इसके अंदर में तो सारा कुछ इस आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि एग्जैक्टली exactly है क्या उसके बाद में फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इन रियलिटी क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है उसको बोलेंगे आप लोग कोरोनिविया ठीक है इसको जाकर आप लोग मैप में एक बार देखना है कहाँ पर लोकेटेड है आप लोग समझ पाओगे यहां पर ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर हुआ एक तरीके से यहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ बातें की गई और यहां पर ये यह एक तरीका आप लोग बोल सकते हो कि डिसीजन लिया गया जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या कि अगर एग्रीकल्चर से कोई भी किसी भी तरीके का अगर रिस्क होता है जैसे कि आप लोग बात करो जैसे ही खेतों में कुछ सामान जलाया उसमें से सी एच फोर निकल रही है एन टू ओ निकल रहा है सी टू निकल रही है जैसे कि जानवर जो होते हैं उनका जो गोबर होता है उसमें से सी एच फोर आप लोगों को निकलती हुई नजर आती है ठीक है कुछ भी अगर कुछ गंदगी होती है उसमें सी टू निकलती है ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें से भी सी टू आप लोगों को निकलती हुई नजर आएगी ना इसी तरीके से मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है इस तरीके से जिसको ऑर्गेनिक आप लोग बोलते हैं उनमें से आप लोगों को सी टू और इसी के साथ में सी एच फोर ये बड़ी ही कॉमन सी चीजें हैं जो निकलती हुई नजर आएगी और आप लोगों को पता है आज की डेट में टारगेट क्या है कि इन्हीं दोनों के ऊपर कुल्हाड़ी चलानी है क्योंकि ये दो वो चीजें हैं जो कि काफ़ी हद तक जो है प्रेशर बढ़ाने का काम कर रही है और जैसे जैसे धरती पर प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं यानी कि प्रेशर बढ़ने की वजह से बाढ़ आ रही है तो लोग डूब रही हैं एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं लोग क्यों टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रॉपर जिस एरिया में कोई पर्टिकुलर फसल होती है वो उगा नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लेशियर पिघल कर आ गए तो फिर वहां से और दिक्कतें देखने को मिल रही हैं तो एक डायरेक्शन में नहीं और जो गरीब है सोसाइटी में उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से भुखमरी की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है पर लेकिन आप लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अभी जो कोरोनाविया जो यहां पर यह एग्रीमेंट है इसमें यह बोला गया कि जो एग्रीकल्चर से यहां से एमिशन हो रहा है यानी कि जो गैस निकल रही है यह भी इन्वामेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि यहां से इनको रोका जा सके यानी कि इनका पूरा फोकस था जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया ठीक है पानी कैसे दे रहे हैं खेतों में वो हो गया मिट्टी किस तरीके से कौन सी पे कहां पर क्या क्या फसल की जा रही है वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इनका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर का क्या इंपैक्ट है उसके ऊपर इन्होंने खो, खोज खबर की और कुछ एरिया डिसाइड करे कि यार ये एरिया है इन एरिया को हम लोग को देखना पड़ेगा ठीक है किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन हो रही है इसे सोइल हो गया न्यूट्रिश जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट यूज हो गया वोटर इसी के साथ में लाइव स्टॉक यानी कि जीव जंतु जो हमारे पास में है किस तरीके से मेथड ऑफ आप लोग एसेस कर रहे हो यहाँ पर इन चीजों को अडेप्ट कर रहे हो सोशियो इकोनॉमिक कैंप बैट पड़ रहा है फूड सिक्योरिटी पर कैम्प बैट पड़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इनके द्वारा स्टडी कर ली गई और वहां पर कई सारे पॉइंट निकाल के आए कि ये चीजें जो हैं है एग्रीकल्चर की वो इन्वॉर्मेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो इससे क्या हो गया वो देश जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है एक तरीके से उनके ऊपर ये एक तलवार लटकाने वाली बात होगी कि देखो तुम्हारी एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है अब आप लोग खुद सोचो यहां पर ये सारे देश मैक्सिमम वो हैं जो कि आज के डेट में डेवलपिंग कंट्री है जिनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो इंडिया ने इसका साफ साफ अपोज कर दिया कि बोला कि यार ये जो डिस्कशन तुम कर रहे हो ना यहां पर ये बिना तुक वाला डिस्कशन है यहां पर ठीक है ये जो रिपोर्ट तुम लेकर आ रहे हो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पास में काम तो था नहीं कुछ काम नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं वो वाली कंडीशन देखने को यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर इन रियलिटी अगर देखोगे आप लोग एक इंसान वो है जो कि अपने घरों में ए चला रहा है दबाकर ठीक है उसके घर में चार चार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ठीक है थीके? उसके अगर बात करें मतलब कि यानी घर में हीटेड स्विमिंग पूल भी चल रहा है जनरेटर चल रहा है सब कुछ चल रहा है वो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है और एक इंसान जो है वो खेतों में अपना एक खेती करने के लिए उसने क्या किया खेतों में पुआल जला दिया ताकि वो सर्वाइव कर सके जिंदा रह सके वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा लाइफ के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है वो ज़िंदा भी रह सकता है मर भी सकता है वाली बात हो गई तो यहाँ पर जो एमिशन हो रहा है ना वो सर्वाइवल के लिए हो रहा है यानी कि एक इंसान अगर खेतों में काम नहीं करेगा तो वो खाएगा कैसे जानवर नहीं रखेगा तो कैसे उसकी रोजी रोटी चलेगी आज की डेट में मैक्सिमम लोग गाँव में आप लोग जाओगे ना वो अपने घरों में से दूध बेच बेचकर अपना घर चलाते हैं आज की डेट में ये कंडीशन है तो ये सिचुएशन जो निकल कर आ रही है ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए लोगों को घर चलाने के लोगों के घर चलने मुश्किल हो गए आज की डेट में तो सर्वाइवल के लिए ये सारे काम लोगों को करने पड़ रहे हैं पर यह क्या इधर ये तो लग्जरी है भाई साहब लग्जरी में कार्बन डाइऑक्साइड तुम उड़ा रहे हो यहां पर तो ये बोला इंडिया ने कि पहले तो ये देखो कि सर्वाइवल और लग्जरी में डिफरेंस देखो एग्रीकल्चर के ऊपर आप लोग कूदने लगे हो वही एग्रीकल्चर जो सबको खाना खाने के लिए दे रही है उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लगे हो तो सर्वाइवल और लग्जरी तो आप लोगों ने कहीं देखा ही नहीं यहाँ पर कि इंसान किस तरीके से काम कर रहे है। तो ये जो डिसीजन है यहां पर कहीं ना कहीं इसको सोचने की जरूरत है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि आप लोगों को भुखमरी मिटानी है फूड सिक्योरिटी आप लोगों को बढ़ानी है पर इन रियलिटी अगर आप लोग बात करोगे सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि इंसानों को पहले खेतों में काम भी तो करने दो अगर कोई बिजनेसमैन अगर कोई है वो एक गलत तरीके खेती कर रहा है तो समझ में आता है ठीक है तो सर्वाइवर और लग्जरी में आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा और यही इंडिया ने यहां पर समझा है तो अपने ही आप में एक ऐसा टॉपिक है आप लोगों से पूछा जा सकता है इवन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर ओशियन में है यहां पर ये ये तो डिसीजन किसका है ये है यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है पर्टिकुलर क्यों इंडिया ने अपोज किया तो यह एथिकल इशू भी हो गया एग्रीकल्चर फोरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज उसकी वजह से क्या ग्रीन हाउस गैस निकल रही है उनके बारे में बातें कर रहे हैं मतलब इंडस्ट्री को छोड़कर तुम एग्रीकल्चर पे आ गए तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग यहां पर इन चीजों को टैगल करना हैं ठीक है थेके? तो अपने ही आप में बहुत ही बेहतरीन ये एक तरीके से टॉपिक आप लोग बोल सकते हो खासकर जब इंडिया आकर इंटरनेशनल जो लेवल पर कुछ हो रहा है उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए कि हां भाई साहब ये जो तुम कर रहे हो ना ये दर गिरी हुई घटिया हरकतें इनको आप लोगों को साइड में करना चाहिए तो ये बातें हैं ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना और इसको जाकर ये आप लोगों का होमवर्क है इसको एक बार मैप में आप लोग जरूर देखिएगा ओके दोस्तों एक बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि कोई भी मां के पेट से सीख कर नहीं आया इसके पीछे रीजन भी है यार इस दुनिया में अगर आप लोग देखोगे पता नहीं इंसान ने क्या क्या बना डाला जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था और आज के डेट में हम लोग वो अचीव कर चुके हैं लोग चांद पर गए मंगल ग्रह पर जा रहे हैं अब और सूरज पर जाने की हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं मतलब जाएंगे नहीं वहाँ पर जाएंगे तो राख हो जाएंगे पर उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं इसी बीच में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों से पूछें कि सर ये ट्राइबल कम्युनिटी होते क्या हैं ये हमारे देश में हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं तो आप लोगों को कैसा फील होगा मतलब क्या थॉट आएगा आप लोगों के माइंड में ऐसा ही एक मैसेज मेरे पर इंस्टाग्राम पे आया तो जो मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा तो मैंने कहा ये क्या है मतलब कि एक तरीके से समझ में नहीं आया मैंने क्या रिप्लाई करूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली तो मैंने पूछा कि आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट की है तो उसने बोला कि सर मैंने जस्ट अभी अपनी ट्वेल्थ की है ठीक है तो ट्वेल्थ करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है तो ऐसा नहीं है यार कि अब बच्चे जो है मतलब कोई कुछ नया क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को लगता है पता नहीं आप लोगों को तो क्या क्या आता है इसने क्या पूछ लिया उसको बताना नहीं है तो ऐसा ऐसा कभी नहीं करना है ठीक है तो मैंने बोला कि कमेंट में पूछ लेते किसी से तो आराम से कोई भी बता देता तो कहता है कि सर एक दिन मैंने पूछा था कमेंट में तो एक बच्चे <coughs> एक बच्चे ने मेरी मजाक उड़ा दी तो ऐसा मत किया करो यार ऐसा इंसान जो है आपको भी कभी ना कभी किसी ने सिखाया होगा ना अगर कोई भी कुछ पूछता है ना इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कमेंट बॉक्स में जो भी पूछ रहा है मैं घर पे भी कोई बच्चा है आसपास में कोई आप लोगों से पूछता है उसको मना मत करो एकदम अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बोल दो तो कि यार ये फिर बच्चा है तो बेटा पता नहीं अभी और यह बेटी पता नहीं अभी तो थोड़ी देर में मैं मतलब सर्च करके बता दूंगा शाम तक या फिर कल तक तो उससे क्या होता है उनको आस बड़ी रहती है कि कोई तो है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा ठीक है चलिए ये थी एक छोटी सी बात आई होप कि आप लोग जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करोगे बड़ा ही शानदार ये टॉपिक रहने वाला है आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी जंगल में रहने वाले लोग या समाज से कटे हुए लोग मतलब किस किस नाम से आप लोग बोलते हैं पर लेकिन इन रियलिटी ये मुझे ये लगता है कि ये वो लोग हैं जो नेचुरल वे में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं यानी कि जैसे थे वो वैसे ही आए हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग जो हैं अडम्बर में घुस गए हैं बहुत सारे पर लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल वे में मैक्सिमम अपना नेचर के साथ में रह के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं मेरे हिसाब से वो लोग हैं आदिवासी जो नेचर के बहुत करीब हैं आदिवासी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में तो अभी एक रिपोर्ट आई कि आदिवासी एट द बॉटम यानी कि एक तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है ना सो so सोकोल्ड हमारे पास में इंटरनेट है हम लोग अच्छी अच्छी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं कहीं कहीं घूम रहे हैं हम लोग हाई जहाज में यात्राएं कर रहे हैं हम लोग एक से एक गाड़ियाँ खरीद रहे हैं रेस्टोरेंट और पता नहीं मतलब मॉल वगैरह जिंदगी एक अजीब मतलब डिफरेंट चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं अभी तो लोन मक साहब जो हैं वो लोगों के दिमाग में चिप भी लगाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग डेवलपमेंट के एक बहुत ही शिखर पर पहुँच रहे हैं पर लेकिन ये क्या है अगर वो पिरामिड में बोलूँ ये पिरामिड अगर उसमें इसको ऐसा बनाऊँ ये बोला गया इस रिपोर्ट ने कि ये जो आदिवासी हैं इस पिरामिड के बॉटम में हैं पर लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जब मैं ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था मैंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि वो एक डेवलपमेंट के कहाँ पर हैं बॉटम में है पर अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत कर रहे हैं अगर उनकी ज़िंदगी में हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर न करें जैसे कि कानून लाकर कई सारी चीज़ें उनकी जो वो करना चाहते हैं उनको रोक देते हैं या फिर और भी कई सारे इशू बनते हैं उनके एरिया में घुस कई बार हम लोग कई सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो उसको अगर थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं और उनको उनकी नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जीने दें तो आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही बैलेंस्ड वे में रहते हैं जहाँ पर भी रहते हैं सेंट्रलिस्ट ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में सुना है जो कि अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है बहुत बार न्यूज़ में रहती है वो ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है कि वो आज तक बाहरी दुनिया के टच में नहीं आए यानी कि वो अपनी जिंदगी वहां पर बहुत ही बैलेंस वे में व्यतीत कर रहे हैं और आज से नहीं है वो वहां पर पता नहीं कितने सालों से वहां पर है अंडमान निकोबार वाले एरिया पे वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी उस छोटे से टापू पर रह रही है और वो जिंदगी को एंजॉय भी कर रही है इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ खा रहे होंगे पी रहे होंगे वहां पर अपनी जिंदगी रहे हैं कुछ अगर ऐसा होता तो फॉरेस्ट काट काट कर खत्म हो जाते तो उनको पता है कि कैसे अपने और जो अपना जो बेसिकली जंगल है उसके बीच में बैलेंस बनाना है यह सेम फंडा आप लोग को अवतार मूवी में देखने को मिलेगा तो ट्राइबल कम्युनिटी जानती है कि किस तरीके से उनको उन चीजों के साथ में बैलेंस बनाना है तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं बाकी इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ और बातें करता हुआ मैं अभी आगे बढ़ूंगा आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा जब यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो क्या उन लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया होगा कि ट्राइबल कम्युनिटी क्या है कैसे कैसे क्या कर रही है बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया इसीलिए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है संविधान के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है इसीलिए आप लोगों को ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को खासी जैनते ग्यारह ये मेघालय मिजोरम त्रिपुरा आसाम में देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर इनको अलग से पावर दी गई है कि जैसी जिंदगी तुम जीना चाहते हो वैसी जिंदगी जियो जैसे रूल और रेगुलेशन तुम बनाना चाहते हो वैसे रूल और रेगुलेशन बनाओ हम तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे यही बोला गया बहुत से लोगों ने इसका अपोज़ किया बहुत से लोग ये बोले थे कि इनको अपने साथ में लेकर आओ इनको भी डेवलपमेंट का पता होना चाहिए इनको भी इंटरनेट का पता होना चाहिए इनको भी मोबाइल का पता होना चाहिए इनको भी हमारी तरह बाहर का खाना पीना है जंक फूड खाने की आदत होनी चाहिए ठीक है इनको भी मोटापा होना चाहिए इनको भी बीमारी होनी चाहिए <laughs> इनको भी एक तरीके से ना जो आप लोग जिंदगी जी रहे हो वही वाली जिंदगी इनकी भी होनी चाहिए पर लेकिन जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उस चीज़ को नकार दिया उन्होंने ये बोला कि इनकी जैसी भी जिंदगी चल रही है इनको ऐसे ही चलने दो क्योंकि हमको हमारी ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं ना किसी ने फोर्स नहीं किया अगर मैं आज की डेट में अपनी बॉडी पर फैट चढ़ा के बैठा बैठाऊँ या फिर मेरी ज़िंदगी बेकार हो रखी है या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर मेरी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो दिस इज़ माई चॉइस ये मेरी चॉइस है ये किसी ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया है ये मैंने अपने आप चूज़ किया है इसीलिए इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो जो भी आप लोगों के साथ में हो रहा है वो आप लोगों ने चूज़ किया है जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में हो रहा है वो ट्राइबल कम्युनिटी ने चूज़ किया है तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है उनको तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए तो जब आप लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया ये जिंदगी को जीने के लिए तो इनको क्यों फोर्स किया जाए तो ये बात कई सारी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बताई गई इसीलिए इनको ये बोला गया कि जिस भी एरिया में आप लोग रह रहे हो वहां पर रहते रहो अपनी लाइफ को इंजॉय करते रहो लाइफ को इंजॉय करते करते आप लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और यही बातें हैं फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में संविधान के हालांकि काफी डिटेल में मैंने पोलिटी के अंदर ये कवर किया है पर फिर भी एक ओवरव्यू से आप लोगों को बता दिया है फिर से बोलता हूं अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ करे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में जो पॉलिटी से रिलेटेड हो जाकर एक बार सर्च कर लिया करो उसके सामने बाय वीर या फिर बाय स्टडी लवर लिख दिया करो तो आप लोगों के सामने वो टॉपिक खुलकर आ जाएगा ठीक है तो ये बहुत ही बेसिक सी वो चीज़ें हैं जब आप लोग एन जो अब तो सारी बातें बताई ना मैंने ये सारी बातें कहानियाँ का, नहीं सुना रहा था मैं ये सारी बातें जब आप लोग एन पढ़ोगे ना या फिर आप लोग जो आप लोग इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ोगे ठीक है वो सारी किताब अगर हिस्ट्री को उठाकर पढ़ोगे एन सी आर टीज वगैरह ये चीज़ें उनमें ये चीज़ें स्टोरीज़ की फॉर्म में लिखी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाई है तो ये बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ठीक है तो इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं कि कई सारे चलते पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हो तो जो भी सुनाता हूँ जो इंफॉर्मेशन बताता हूँ वो किताबों की होती है ठीक है हवा हवाई नहीं होती ओके आगे चलते हैं अभी इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से बातें करता हूं ये जो रिपोर्ट है यहां पर जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है तो यहां पर भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन है जिसके द्वारा यहां पर बताया गया है इनके द्वारा यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर तो ये एक स्टडी की गई है उसके तहत इन्होंने बताया गया और यहाँ पर ये इस तरह की आप लोगों को फर्स्ट रिपोर्ट देखने को मिल रही है 1947 से यानी कि आज तक कोई इस तरीके की सिस्टमेटिक रिपोर्ट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी पर नहीं बनी है जो कि इनके डेवलपमेंट को चेक कर सके तो ये अपने आप में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग सोच भी नहीं रहे क्या इनके बारे में तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ठीक है अब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा जो रिपोर्ट कहती है हालांकि ऐसा नहीं कि ये कहीं से उठा के लेके आ गए मतलब पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए ये भी डेटा वही यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है जैसे कि सेंसस यानी कि जनगणना दो का डेटा है इनके द्वारा बताया गया कि हमारे देश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है पहले तो आप लोग ये बताओ कि इसको पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है अभी दुनिया में आठ बिलियन लोग हो गए ठीक है थेके? अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की पॉपुलेशन बताओ चलो करोड़ में बताना ठीक है कितने करोड़ पॉपुलेशन है हमारी लगभग अप्रॉक्सीमेट बता दो पता ही होना चाहिए ना आपके देश की पॉपुलेशन कितनी है आपके कम से कम आप लोगों को स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है आप किसी गाँव में रहते हो तो आप लोगों के गाँव की पॉपुलेशन कितनी है ये बड़ी ही बेसिक सी इंफॉमेशन है यार बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय नागरिक होने के नाते कल को अगर गाँव के प्रधान भी बनते हो आप लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे गाँव की वोटिंग कितनी है तो ये थोड़ा सा तो मतलब यूपीएससी की तैयारी करो तो इतना तो जागरूक आप लोग होना चाहिए ठीक है मतलब मेरा मानना है बाकी यार आप लोग अपना समझदार हो कोई बोलने वाली बात नहीं है तो 8.6 जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर 2011 के सेंसस के हिसाब से बोला गया कि बोटम में अगर आप लोग जाओगे ना तो बोटम में देखने को मिलेंगे डेवलपमेंट में इनका कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है सेंट्रल इंडिया जो है हमारे देश में जब हम लोग सेंट्रल इंडिया बोलते हैं तो कौन कौन से राज्य आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं इसका भी डिवीज़न आप लोगों के सामने आता है जैसे हम लोग सेंट्रल इंडिया बोल देते हैं तो अगर मैप में आप लोग देखोगे सेंट्रल इंडिया तो मेनली सेंटर में आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश मेनली सेंटर में दिखाई देता है पर लेकिन एक और राज्य आप लोग यहां पर काउंट करिएगा जो कि छत्तीसगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा वैसे मोटे मोटे तौर पर बोलो तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही है रीजन क्या है? रीजन यह है कि मध्य प्रदेश में से ही निकालकर छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था तो ये ऐसा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आस में अगर आप लोग जाओगे कोस्टल के पास में नहीं बिल्कुल मिड में आप लोगों को नजर आएगा तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जिसको सेंट्रल इंडिया बोला गया है जैसे नहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा ये वाला एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ऐसे इसको सेंट्रल इंडिया बोल देते हैं तो ये जो सेंट्रल इंडिया का आसपास वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी है उसका 80 प्रतिशत जो है वो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा दो सौ सत्तावन सेड्यूल्ड ट्राइबल आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से दो सौ तीस के करीब नब्बे प्रतिशत और एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट या फिर हिली एरिया में पाए जाते हैं या फिर सूखे एरिया में पाए जाते हैं जो <coughs> जो ऑलरेडी हिली एरिया में रहेगा सबसे पहली बात तो यहां पर ये यह हो गई कि वो इंसान जो है वो एग्रीकल्चर के साथ में शायद ही कनेक्टेड होगा क्योंकि हिलों में जो पर्वत होते हैं उनमें शायद ही मतलब बहुत ही कम खेती होती है जो नॉर्मल आप लोगों को प्लेन में देखने को मिल जाती है ठीक है तो सूखा होगा वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिल जाती है तो इसलिए प्रॉब्लम रहती है ये किन किन एरिया में काउंट कर रहे हैं कि हम ट्राइबल कम्युनिटी पीछे हैं ये किस किस एरिया पर ये देख के बता रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी को ये बात कर रहे हैं कि साफ़ सफाई में अगर सैनिटेशन में आप लोग देखने को मिले जंगलों में रहते हैं एजुकेशन मिल नहीं पाती है जो कि जरूरी है अगर बात की जाए न्यूट्रिशन लेवल क्या है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा प्रॉपर वे में अगर बात की जाए तो किस तरीके से उनका खाना पीना रहता है साफ पानी नहीं मिल पाता है ठीक है तो ये जरूरी है तो यानी कि एक तरीके से एजुकेशन सैनिटेशन साफ पानी ये भी इनको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है अगर ढंग से हम लोग उसको चेक करें डिस्टर्बेंस और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कई बार रीज़न में कई बार तो बाहर वाले लोगों की वजह से दिक्कत होती है और कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आ जाती है जो कि इनको कंफर्टेबल फील ही नहीं कराती है आप लोगों ने देखा होगा फॉरेस्ट एक्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है उस टाइम पर सदमे में आ गई थी जब यहाँ पर बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि हाँ ये एरिया आपसे बिलोंग करता है तो कौन ऐसे इस तरीके से एरिया लेकर आएगा तो ये भी अपने ही आप में काफी ज्यादा अटपटी चीज हो गई थी उन लोगों के लिए उस टाइम पर इसी के साथ में कई बार क्या रहता है मान लीजिए कहीं पर बांध बनाना है ठीक है कहीं पर रोड बनानी है कहीं पर और कोई डेवलपमेंट करना है या फिर कहीं पर क्लाइमेट जो है बेसिकली वो चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर कुछ इधर उधर चीज़ें करनी है इनको तो ट्राइबल कम्युनिटी को फोर्स किया जाता है कि वहाँ से जाकर वो कहीं और रहना स्टार्ट कर दे तो आप लोग खुद सोचो एक ऐसा एरिया जहाँ पर थोड़ी बहुत खेती करते हैं एलुवियल सोइल फर्टाइल एक मिट्टी रहती है वहाँ पर जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी में लोग जो है थोड़ा बहुत उगा लें खा ले पी जिंदगी जिंदगी व्यतीत कर ले इन रियलिटी में देखोगे तो वो ज़िंदगी वो व्यतीत कर ही नहीं पाते हैं ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जब आया 1980 का तो बहुत सारी चीजें को मिली इन्वॉर्मेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करने लगे ऊपर से ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करने लगे आखिर क्यों रीजन है इसका ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को झूम कल्टीवेशन करते हुए नजर आएंगे झूम का मतलब झूम बराबर झूम बराबर गाना सुना है ना इसका मतलब होता है कि आज जो है यहां से पर्टिकुलर एरिया से इन्होंने जंगलों को साफ किया जंगलों को साफ करने के बाद में यहां पर खेती की क्योंकि स्टार्टिंग में उपजाऊ रहती है पर रेगुलर जब आप लोग खेती करते रहते हो तो वो उपजाऊपन उसका खत्म हो जाता है तो फिर किसी और जगह चले जाते हैं फिर वहां पर जाकर खेती करते हैं तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है तो इस तरीके से एक दूसरी जगह पर ये घूमते रहते हैं तो इसको कहते हैं झूम कल्टिवेशन तो इसकी वजह से पहले तो चलो सही था पर आज की डेट में क्योंकि हम लोग खुद ही इतना सारा जंगल काट चुके हैं तो अब ट्राइबल कम्युनिटी अगर कोई थोड़ा बहुत जंगल काटती है तो सीधा सीधा ये निकल कर आता है कि यार ये चल क्या रहा है ठीक है मतलब ये जंगल क्यों काट रहे हैं उस टाइम पर सोचो हर जगह जंगल थे पूरी पृथ्वी जंगल से भरी हुई थी पर आज की डेट में हम लोग रो रहे हैं कि यार जंगल कितने कट रहे हैं पेड़ कितने कट रहे हैं मुहिम चलाई जा रही है पेड़ों के लिए तो एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं उसमें ट्राइबल कम्युनिटी ने कुछ पेड़ काट दिए तो फिर सदमा लग जाता है कि यार तो क्या कर रहे हैं तो बर्बाद कर देंगे हम लोग उससे पहले बर्बाद कर चुके हैं तो कभी कभी यहां पर ना मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है आप लोग पता नहीं कितने सहमत हो गए मेरी इन बातों से जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ अगर आप लोग सहमत नहीं हो तो आप लोग डिस एक तरीके से मेरे साथ में ना कि हाँ हम सहमत नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन आप लोग दिखा सकते हैं वीडियो को डिसलाइक कर, कर या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी सूटेबिल लगे सोचेगा जो बोल रहा हूँ भाई जब यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर यूएसए में और यूरोप में अब जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये लोग क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन आ गया पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हमारे ऊपर आकर पता नहीं ये सारी चीज़ें बोलते हैं हम लोग को बड़ा गुस्सा आता है यार ये ऐसा कि बोल रहे हैं पहले इन्होंने डेवलपमेंट कर लिया अब हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं सेम काम हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में कर रहे हैं हम लोगों ने जब जंगल काटे दबा दबा कर हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट की बातें की तो तब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी अब ट्राइबल कम्युनिटी अगर वो काम कर रही है तो हम लोग को दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है ये चीज मुझे आर्टिकल पढ़ते पढ़ते नजर आई ठीक है मतलब अपने आप ही ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग में हम मैंने कहा यार जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ में कर रहे हैं हम ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में कर रहे हैं इन रियलिटी फील हुआ मुझे अंदर से आप लोग बताइए ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इनको पुश कर देंगे इनके एरिया से वहाँ पानी भर गया बांध बना दिया कहीं रेलवे ट्रैक बना दिया सोचो रेलवे ट्रैक जा रहा है मैंने फील किया है मेरे होस्टल के बराबर में से रेलवे ट्रैक होकर जाया करता था जब मैं बिटेक में था उस टाइम पर इतनी बुरी कंडीशन थी स्टार्टिंग में तो मुझे नींद ही नहीं आई वहां पर एक डेढ़ महीने तक तो फिर तो आदत पड़ जाती है इंसान को तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं तो ये सारी कंडीशन हम लोग पशु पक्षियों के साथ में भी करते हैं तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि यार हमारे एरिया में पशु घुसाया इन रियलिटी में हम लोग पशु के एरिया में जाकर घुस गए अपना एरिया बना लिया हम लोगों ने यहाँ पर जाकर रिजोर्ट बना रहे हम लोग अंदर जा जाकर तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने यहाँ पर तो इन रियलिटी में हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं और इन रियलिटी इन क्या देखा जाए जा तो हम लोग पृथ्वी या इन्वॉर्मेंट या क्लाइमेट को इतना पीछे छोड़ चुके हैं तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है आप लोग कितने सहमत हैं इससे जरूर बताएगा अगर असहमत भी हो तो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बताइएगा जरूर क्योंकि सोचने समझने की क्षमता इंसान के अंदर होनी चाहिए और वो है भी और तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए ठीक है जब हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में काफी सटीक तरीके से बातें करते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर शेड्यूल आता है वो आता है छठवा शेड्यूल छठवा शेड्यूल यहाँ पर साफ साफ बोलते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी को एक तो उनको प्रोटेक्ट करना है यानी कि अपनी जो हमारी क्रूरता है वो इतनी नहीं कि ट्राइबल कम्युनिटी को बिल्कुल खत्म कर डाले दूसरा उनको ऑटोनमी देनी है आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरे साथ में आप लोग रेगुलर कनेक्टेड हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सारे फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं या तो खेतों में फसल बोने जा रहे हैं या फिर उसको काटने जा रहे हैं काटते टाइम यहाँ पर अपने जो भी उनके देवी देवता होते हैं वो उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसके नाम पर बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको अपनी कल्चर इंजॉय करने दो उनको ऑटोनमी दो पर लेकिन कोरोना बीमारी आदिवासी कम्युनिटी तो लेकर नहीं आए ये तो एक तरीके से हम जैसे इंसानों की हरकतें हैं तो हम जैसे इंसान अगर कल को कोरोना आदिवासी कम्युनिटी को दे देते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे तो इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को कोई ऐसे इशू होता है तो उनको प्रोटेक्ट करें पब्लिक हेल्थ के बारे में उनको वहाँ पर सपोर्ट किया जाए ठीक है एक तरीके से उनके लिए फ्रेम किया जाए कानून कि उनको भी ज़मीन मिल सके हमको ये काम करने पड़ेंगे दस ऑटोनोमस काउंसिल जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वो ऑटोनोमस काउंसिल है जिनके ऊपर काम किया जाता है तीन मेघालय के अंदर में देखने को मिलेगी तीन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी किसके अंदर ये है मिजोरम के अंदर में एक आप लोगों को यहां पर त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेगी और तीन आप लोगों को आसाम के अंदर तो टोटल मिलाकर दस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं जिनको खुद की ऑटोनोमी दे रखी है और याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है याद आ रहा है मैंने बोला था ए टी एम एम का स्क्वायर कर देना एटीएम यानी कि एटीएम के अंदर में मनी यानी कि मणिपुर नहीं है यानी कि एटीएम खाली पड़ा हुआ है तो ये दस के दस जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर ये जो काउंसिल है यहां पर ये इन एरिया से निकल कर आते हैं आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम और इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रखे हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 244 दो सौ और आर्टिकल दो सौ एक तो ये आप लोग याद रखें 244 और 275 आर्टिकल इन्हीं के लिए कि इनको स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं और वो प्रोविजन क्या है जैसे कि गवर्नर जो है उसको पावर दे रखी है कि वो ऑर्गेनाइज करे और रीऑर्गेनाइज करे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यानी कि उसको लगता है कि यहां पर कुछ एक तरीके से काम करना है तो वो काम कर सकते हैं यहां पर सेंटर के हाथ में पावर नहीं है स्टेट के हाथ में पावर दे दिए गवर्नर का मतलब क्या हो गया एक तरीके से स्टेट आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि स्टेट का हेड होता है गवर्नर ठीक है अलग अलग ट्राइबल जो जो भी यहां पर ट्राइब्स हैं उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तो गवर्नर जो है डिवाइड कर सकता है डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस रीजन के अंदर में ईच मस डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरीके से हैज द एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसमें तीस मेंबर हैं चार मेंबर नॉमिनेटेड हैं गवर्नर के द्वारा बाकी के छब्बीस जो हैं वो वहां से बेसिकली एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जैसे आप लोग वोट डालने जाते हो ना सेम पैटर्न में यहां पर भी वोट डाली जाती है यानी कि उनके लोगों को अधिकार दे दिया गया कि आप लोग वोट डालो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चुनो और आगे बढ़ो हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे ऐसा आप लोग बोल सकते हैं ठीक है इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस फाइव ईयर यहाँ पर जब तक कि अगर यह काउंसिल जो है वो डिजोल्व नहीं जाती है और नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो तो गवर्नर के ऊपर डिपेंड रहते जब तक गवर्नर खुश है तब तक इंजॉय करते रहे और नहीं खुश है तो भाई साहब गवर्नर जो है उनको लतिया के बाहर भगा देंगे दो मिनट में ठीक है तो ये हमारे संविधान में भी लिखा है इसका मतलब कि जो मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ ये बाकायदा हमारे संविधान में मैंशन है यानी कि ये सारी की सारी चीजें हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है उसके लिए कोई प्रोविजन रखने वाले हैं उसको रखना भी पड़ेगा वरना डेवलपमेंट के नाम पर चीजें ऐसे हो सकती हैं, इसको कहते हैं दूरदर्शी उन्हें कहते हैं कि इंसान जो है वो आगे की सोच ले कि आगे क्या हो सकता है और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करे हमारा संविधान बड़ा ही दूर आप लोगों को देखने को मिलेगा ढंग से आप लोग देखोगे इसलिए कहते हैं संविधान को अच्छे से पढ़ो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी आई होप कि आप लोग ये माइंड में क्लैरिटी आ रही होगी डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी ठीक है अगर स्टेट वाइज आप लोगों से ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कोई पूछने लगे कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है तो टॉप टेन स्टेट के नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए अगर आप लोगों से टॉप टेन स्टेट विद हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जहाँ पर थोड़े एरिया में ज़्यादा लोग पाए जाते हैं हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें सबसे टॉप पर लक्षद्वीप आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कुछ आर्टिकल्स भी आप लोगों के लिए हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल कम्युनिटी को सेफ करने के लिए आर्टिकल तीन आर्टिकल एक आर्टिकल दो और आर्टिकल दो ये कुछ ऐसे आर्टिकल अगर पूछें यहाँ पर किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है यहाँ पर तो ये आर्टिकल ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल के साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हमारे देश में बनाया गया 19 फरवरी 2004 में ताकि बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी को हम लोग सिस्टमेटिक वे में आगे लेकर चल सके वरना इससे पहले हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो थी वो एक ही कमीशन के अंडर में आया करती थी लेकिन एट्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में और यहाँ पर 2004 में नेशनल नेशनल कमीशन फॉर सेड्यूल ट्राइब अलग से बन गया क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो जिंदगी जीने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है शेड्यूल ट्राइब जो है जंगलों में रहते हैं सेड्यूल कास्ट जो है अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से इन्जॉय करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी एम क्या है एम तो वही है कि सोसाइटी में उनका वेलफेयर हो एजुकेशन अच्छे मिले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वो सब चीजें कम, इसकी कमीशन के अंदर कंपोजिशन क्या है ये भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है आप लोगों का पॉलिटी के अंदर में तो हल्के में मत लेना ठीक है चेयरमैन वाइस चेयरमैन और तीन मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एटलीस्ट वन वुमेन भी होनी चाहिए चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो होना चाहिए या अदर मेंबर वो तीन साल तक का ऑफिस होल्ड करें और मोर देन टू टर्म्स यानी कि एक बार चुन लिए दूसरी बार चुने जाएंगे पर तीसरी बार चुनने के लिए एलिजिबल नहीं है ये स्टेटमेंट देखकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया था ठीक है बोला कि फिर से एलिजिबल नहीं है नहीं टू टर्म के लिए आप लोग एलिजिबिलिटी नजर आएगी एक और इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है टॉपिक के अंदर छोटू टॉपिक तो यहाँ पर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है उसको पीवीटीजी बोलते हैं जैसे नहीं ओबीसी के अंदर में हम लोगों ने अलग से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो क्रीमी लेयर यानी कि जिनकी सैलरी थोड़ी अच्छी है और बाकी को साइड में रख दिया कि हाँ इनको ठीक है रिजर्वेशन दो पर उनको निकाल दो तो पर्टिकुलरली वनरेबल वनरेबल मतलब जिनकी खस्ता हालत हो रखी है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी हमारे देश में 1975 में बताया गया कि बावन ट्राइबल ऐसे है जो कि पीवीटीजी के अंदर में है और इसके लिए एक पर्टिकुलर कमीशन बनाया गया था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देवार कमीशन के नाम दिया ठीक है तो इसने पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलर ट्राइबल जो ग्रुप है प्रीमियटिव ट्राइबल तो उसके हिसाब से रिकमेंडेशन दी और ऐसे ऐसे चीजें बढ़ी आज की डेट में टोटल पिछहत्तर ऐसी पीवीटीजी हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं और इसमें से तेहरा तो अकेले उड़ीसा के अंदर ही आप लोग को देखने को मिल जाएगी तो उड़ीसा के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज्यादा संख्या में ट्राइबल कम्युनिटी अगर बोला जाए पीवीटीजी जो है वो लगभग 18 स्टेट में फैली हुई है यानी कि कोई बोले आप लोगों को हरेक स्टेट में पीवीटी है तो वो क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं क्या जी हाँ बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जैसे इक्लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजीज प्रधानमंत्री वन धन योजना ठीक है और ये कमेटी है जो कि आप लोगों को याद रखनी है एक्स ए एक्स ए कमेटी दो की है जो कि काफी लेटेस्ट भुरिया कमेटी 2004 से लेके 2002 से लेके चार तक का है और लाखोर कमेटी जो है वो 1996 में आप लोगों को नाइनटीन नाइनटी सिक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी तो ये काफी बेसिक सी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन भी पूछ रहे तो आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आसान सा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा दो हजार उन्नीस में छोटे क्वेश्चन तो ये छोटो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि अगर बात करें अंडर द अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया कि कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वर्ड तो काफी इंपॉर्टेंट था यहां पर कि इसके बारे में बताना है कि आप लोगों को यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी की लैंड माइनिंग के लिए यहां पर अगर भेजे जाए तो उसको नल एंड वर्ड करार दिया जाएगा थर्ड शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल नाइन्थ या फिर यहां पर ट्वेल्थ शेड्यूल तो कन्फ्यूजन तो बिल्कुल रखने का कोई माइंड में सोचा ही नहीं वरना छठे में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल साफ साफ आंसर दे दिया तो दो में क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से इस वीडियो को पोज कर कर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से बताइएगा क्योंकि ये भी मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया का कहाँ कहाँ पर कितनी ट्रैवल कम्युनिटी पाई जाती है ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से बनाइएगा अरेंज करना है यहाँ पर भी ट्रैवल कम्युनिटी के बारे में ठीक है तो पॉपुलेशन और विद रेफरेंस ये सारे क्वेश्चन पीपीटी में आप लोगों को इनके आंसर मिल जाएंगे इसलिए कह रहे हैं बार ट्राई करना ठीक है आगे बात करें तो यहाँ पर स्टेट जो है कवर्ड होते हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर में तो ये आप लोगों को बताया आसाम नागालैंड तो यहां पर मेघालय त्रिपुरा तो मैंने क्या बोला था ए टी एम एम का स्क्वायर है तो ए टी एम एम के अंदर मनी नहीं है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके देखो कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग दे पाओगे ठीक है एक और इंपॉर्टेंट यहां पर यूपीएससी ने दो में क्वेश्चन पूछा कह रहा है हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टेटिस्टिक दैट सो सेक्स रेशियो इन द ट्राइब इन इंडिया इज मोर फेवरेबल टू द वुमेन देन द सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल कास्ट यानी कि शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी में सेक्स रेशियो जो है वो ज्यादा बेटर है रीजन क्या है अब लड़का हो चाहे लड़की उनके पास में तो मशीन है नहीं थेरेपी को जाकर चेक कर लो कि लड़का है कि लड़की तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो जब पता ही नहीं होगा तो जो पैदा होगा पैदा होने के बाद में पता चलेगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पर सोच सकते हैं तो शेड्यूल ट्राइब जो है वहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ जन्म लेती है एज कंपेयर टू शेड्यूल कास्ट ऐसी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर उसके हिसाब से बोला गया और आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पूछा गया ठीक है तो यानी कि एक तरीके से वो नहीं कहते कि इंसान जो है जो क्या कर रहे हैं हम लोग उसको देखने की जरूरत है पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो आज के डेट में ज़्यादा बेवकूफ़ है एज कंपेयर टू जो पढ़ा लिखा नहीं है ठीक है तो ये इमोशनलिटी जो खत्म होती जा रही है ना उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो अच्छा क्वेश्चन है अटेम्प्ट करिएगा माइंड में कुछ डाउट है तो पूछ लेना वरना तो लाइफ को मैंने कहा ये सब डाला तो लाइफ झींगा डाला ठीक है तो इन्जॉय करना है ओके दोस्तों ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कोप बोलते हो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जो कि दुनिया भर में जब चलती है तो एक रीजन बना रहता है डिस्कशन का और ये सारी चीजें बात करती है कि इन्वॉयमेंट को कैसे हम लोग डेवलपमेंट के साथ में लेकर चल सकते हैं यानी कि इन्वामेंट भी रहे और डेवलपमेंट भी रहे तो इनमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है ताकि इन्वामेंट भी सेफ रहे और डेवलपमेंट भी रहे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहे और लोग अपनी लाइफ को इन्जॉय करते रहें और लोगों की इंजॉय करने से इकोनॉमी जो है वो बढ़ती रहे और एक तरीके से इंसान जो है वो अर्निंग करता रहे तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है पर लेकिन इन्वॉर्मेंट को खराब करके डेवलपमेंट करना तो ये सही चीज नहीं है तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है तो अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों को इजिप्ट में देखने को मिली ये ट्वेंटी सेवन थी ट्वेंटी एट वाली जो होगी वो होगी अगले साल कहां पर होगी वो होगी यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो वो ट्वेंटी एट होगी ट्वेंटी सिक्स कहाँ पर हुई थी वो आप लोगों को पता ही है आप लोग थोड़ा सा लिख के सो कमेंट बॉक्स में एक बार रिकॉल कर लो ठीक है और जिसको नहीं पता वो सर्च कर लेना थोड़े हाथ पैर हिला लिया करो वैसे तो पता नहीं क्या क्या सर्च कर लेते हो पढ़ाई की बात आती तो कहता तो हूँ सर सारी चीज़ें बता दिया करो ये सही है कोई बोले घूमने कहीं जाना है मूवी कौन सी लगी हुई है ये मूवी कब रिलीज होनी है ठीक है ये सारी चीजें आप लोगों से पूछवा लो कुछ खरीदना है कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं फोनों को कंपेयर करना है, है जरा जरा सी देर में यार ये सर्ट ये नहीं पसंद आ रही है उसको वो वाली देख लेते हैं कंपेयर करके फोनों के तो स्पेसिफिकेशन भी कंपेयर कर ले जाते हैं भाई सब बैठ के और पढ़ाई के लिए बोल दो कुछ सर्च करने के लिए ओ भाई साहब ओ हाथ नहीं चल रहे हो जंग लग गया हो हाथों में वही यार दिमाग भारी हो गया भाई मेरा ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है सुधर जाओ सुधर आलस से बाहर निकल जाओ वही कहते हैं आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है दुर्गुण है वो रियलटी में इसीलिए उसको बोला गया और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताया गया ये ये जो आलस है ना ये आप लोगों की बॉडी में ये इनबिल्ट है यानी ऐसे एक तरीके से जैसे आप लोग मोबाइल खरीद के लाते हो ना कुछ चीज़ें आप लोगों बो, की बॉडी उसमें मोबाइल की बॉडी के अंदर में इनबिल्ट मिलेगी ठीक है आप लोग उसको हटा सकते हो चाहो तो पर लेकिन आप लोग हटाते नहीं हो जैसे कि कई सारे ऐप मिलेंगे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अब करते रहो उनको एंजॉय करते रहो अपना टाइम वेस्ट पर इन रियलिटी में चाहो तो आप लोग जरा सी देर में इंस्टॉल करके फेंक सकते हो तो आलस भी ऐसा ही है आप लोग चाहो तो उसको इंस्टॉल करके फेंक सकते हो पर लेकिन भाई साहब वो इतना आसान नहीं होगा वो आप लोगों के ऊपर हमेशा आ रहेगा ठीक है जहां पर आप लोगों ने लापरवाही की आलस गुलाटी मारकर ऊपर बैठेगा आप लोगों के ठीक तो है तो ये चीजें हैं तो चीजों को सुधारना सीखो थोड़ा फर्स्ट ड्राफ्ट जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी की क्लाइमेट डील के बारे में बात कर रहे हैं क्लाइमेट एग्रीमेंट तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो उसकी एजेंसी है उसके द्वारा फर्स्ट ड्राफ्ट ड्राफ्ट मतलब एक खागा तैयार किया गया जैसे कि हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था ना कि हाँ अब संविधान ऐसा बनाएंगे तो ये यहां पर कॉन्फ्रेंस 27 में हुआ इनके द्वारा अगर बात करें जो लास्ट ईयर हुआ था चलो आंसर भी आप लोगों का मिल गया ठीक है ग्लास में हुआ था यूके के अंदर में उनके द्वारा ड्राफ्ट जो था वो रिपीट किया गया यहां पर अभी कि गोल जो था वो लास्ट ईयर ग्लास में था उसी को रिपीट किया कि फेज आउट करना है कोयले को कोयला एक इतना खतरनाक चीज़ है जो जमीन में से निकाला जाता है और फिर जलाया जाता है और उसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर सी टू जो है और सी एच फोर जो है वो आप लोगों को मार्केट में निकलती हुई नजर आती है सी टू तो बेहद निकलती है यहां से इसको बोला गया कि फेज आउट करना है ठीक है तो फेज आउट जो है यहां पर इसको करना है पर फेज आउट भी जो करना है वो किस तरीके से करेंगे आप लोग कई सारे लोग तो उसके ऊपर अभी सब्सिडी दे रहे हैं आसान तो होगा नहीं तो पहले आप लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा सब्सिडी कैसे आप लोग दे रहे हो क्योंकि जो छूट दे रहे हैं यहां पर इन चीजों के ऊपर बहुत सारे देश दे रहे हैं इवन अभी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने भी उसके ऊपर जो है सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी फोसिल फ्यूल के ऊपर में ताकि लोगों की सर्दी जो है वो आसानी से कट जाए ठीक है इंडिया में आप लोग फिर भी सर्दी ठीक ठाक अपनी जिंदगी झेल के निकल जाते हो पर वहां पर जो सर्दी आती है ना तो वो कहना नहीं है ओए गर्मी ठीक है तो वहां पर ओए सर्दी वाली बात होती है ठीक है तो आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तो यहां पर फेज एक तरीके से अगर बाले वो उसको ये नहीं बोला कि आप लोग को एकदम इसको फेज डाउन कर देना है ओल फोसिल फ्यूल को ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया इंडिया और यूरोपियन यूनियन कहते हैं कि मिलकर काम करते हैं सबको निपटा डालते हैं ठीक है पर लेकिन सारे फोसिल फ्यूल जो है वो पॉसिबल नहीं है उसको फेज आउट करना आप लोग आराम आराम से डिग्रेडेड मैनर में आप लोगों को डिग्रेड कर करके उनको निकालना पड़ेगा यानी बेजती करने स्टार्ट करना कैसे आप लोग को उदाहरण के तौर पर बताता हूँ एक बार ऐसा था जब पोलिथीन जब इन्वेंट की गई उस टाइम पर लोगों ने इतनी बढ़ाई की पोलिथीन की भाई साहब पोलोथीन ये पोलोथीन वो ई सिगरेट आई मार्केट में इतनी बढ़ाई की गई सिगरेट छोड़ने का सबसे आसान तरीका ई सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो औ भाई साहब सिगरेट सारी आप लोग एक तरीके से पियोगे और हेल्थ के लिए भी दिक्कत नहीं है ठीक है इसी तरीके से आज के टाइम मार्केट में रिफाइंड ऑयल मिलते हैं आप लोगों को ठीक है कई तरीके के उन्होंने बोला घी मत खाया करो घी में फैट होता है और ये वो फ्लाइट ना हमारा तेल खाओ बिल्कुल भी फैट नहीं है सब आदमियों को आज के डेट में इन चीजों की लत लगा दी आप लोग देखते हैं पन्नी वही बन्नी गले की फांस बन चुकी है ई e सिगरेट सारी सरकारें बोल चुकी हैं सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रही है कि ई e सिगरेट एक दूसरी नेक्स्ट लेवल की लत बन गई है ये एक तरीके से दूसरा प्रोडक्ट को डिग्रेड कर कर ये प्रोडक्ट बेचने पर आ गए हमारा घी सरसों का तेल नारियल का तेल उनको छोड़कर हम लोग रिफाइंड यूज करें कंपनी का बनाया हुआ तो ये होता है सामने वाले की इमेज को डिग्रेड कर कर अपने वाले प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देना पर लेकिन ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं ये चीजें क्यों क्योंकि इंसान की सेहत के हेल्थ के ऊपर उसका इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब ये आउट ऑफ द बॉक्स करने लगेगा देखो ये कहते हैं कि इंसान ना सारी चीजें इंसान को एक पर्टिकुलर लिमिटेशन के तहत करनी चाहिए अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके करोगे ना कुछ भी खासकर हेल्थ के मामले में आप लोग अगर डेली कोशिश करो कि एक बर्गर खाना स्टार्ट कर दो ठीक है कुछ दिनों में शरीर बर्गर जैसा ना हो जाए तो बता देना तो कोई भी चीज अगर करना है ना उसको मान लीजिए आप लोग बर्गर खाने का मन कर रहे हैं ठीक है यार चलो खा लिया महीने में एक बार कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पर जिसने उसको बना कि दोपहर का लंच यार यही करना है सुबह का ब्रेकफास्ट या इवनिंग में आप लोगों को उस तरीके से लेना है तो फिर तो यार कहानी खराब है मैं आप लोगों को बता दूं हॉस्टल में रहा करता था मैं तो वहां पर कई बार क्या हुआ करता था शाम के टाइम पर ए कभी कुछ बना दिया बर्गर समोसे वमोसे सारी चीजें ठीक है तो मैं उसको मैक्सिमम टाइम जो है मैं उसको खाता नहीं था मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा साधु संत संतों माता हूँ बिल्कुल ही नहीं खाता हूँ मैं ठीक है पर लेकिन मेरी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें जो मैंने पहचान रखी है कि ये चीज़ें अगर मैं खाता हूँ तो मेरी बॉडी में वो नेगेटिव इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है मुझे और बड़ी जल्दी होता है उन्हें देखिए जैसे कि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ठीक है पसीने बहुत जल्दी आते हैं मुझे तो सबको अपनी बॉडी का पता है तो मुझे अपनी बॉडी का पता है जैसे कुछ मैदा वगैरह अगर खाता हूँ तो कई जगह मुझे बॉडी में ईचिंग टाइप की फील होने लगती है ठीक है मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे एक तरह बॉडी में ना एकदम कुछ गड़बड़ होने लगे तो वाली फील होने लगती है तो इसलिए मैं अपना हेल्दी फूड रखने की ज़्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ मैंने अपनी हैबिट्स कुछ ऐसी बना ली लिए ताकि मैं उनको लाइफ में इंप्लीमेंट करता रहूँ और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही टाइट है मैं ऐसा शेड्यूल फॉलो करूँ इसी कुछ नहीं साधारण साह सुबह उठते अपना गुनगुना पानी पी लो आराम से बॉडी को एकदम क्लीन अप करने का काम करेगा ठीक है उसके बाद में जब आप लोग उठते हो या तो कोई फल खा लो एक जैसे कि एप्पल वगैरह हो गया बनाना वगैरह हो गया अमरूद वगैरह सीजनल फल खा रहा तो और भी अच्छा है जो भी मार्केट में आ रहा है वो आप लोग खा सकते हो इसी के साथ में अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप लोग चने ले आओ चनों को भिगो वो स्प्राउटेड हो जाएंगे उनमें से छोटे छोटे पेड़ निकल जाएंगे इतने ज़्यादा फायदेमंद है जिसकी कुछ नहीं है ठीक है वो खा लो चने के साथ में चनों को भिगो कर उसके साथ में गुड़ का भी सेवन कर सकते हो और ये भी नहीं हो पा रहा है गेहूं तो सबके घर में है ना भाई साहब पिसवा के उसको दलिया बनवा लो ठीक है दलिया बनवा लो थोड़ा थोड़ा सा हाफ हाफ पीस में जब हो जाता है उसमें उसमें दो तीन चीज़ें आप लोग डाल के खा सकते हो जो कि बॉडी को इतना फिट रखेगी जिसकी कुछ नहीं है दलिया ले लो दलिया के अंदर में मान लीजिए आप लोगों ने तीन चम्मच दूध ले लिया दलिया उसमें एक चम्मच जो है आप लोग साबुदाना डाल लो ठीक है और उसको बना के खा लो आप लोग ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो ओट्स और साबुदाना ये भी एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है पर्सनली पर लेकिन इसमें आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो आप लोग इसको नमकीन भी बना सकते हो और आप लोग इसको मीठा भी बना सकते हो यार मैं मुझे नमकीन अच्छा लगता नहीं है तो मैं मीठा खाता हूँ और जो दलिया है उसको आप लोग पानी में भी बना सकते हो उसको आप लोग दूध में बना सकते हो पानी में अगर दलिया को बनाओगे तो आप लोग उसको दही के साथ में खा सकते हो बड़े अच्छे से और दूध के साथ भी खा सकते हो और दूध में अगर बनाओगे तो फिर आप लोग उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो और पर दलिया भी मैं किसे बनाता हूँ ये याद रखना दलिया भी मैं मैक्सिमम जो होता है वो मीठा जो रहता है उसको भी रो यूज करता हूँ जैसे गुड़ हो गया या फिर शक्कर हो गया जिसको ब्राउन शुगर आप लोग बोलते हो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कि आप लोगों की हेल्थ को कभी नेगेटिव चीज में नेगेटिव नहीं पहुँचाएंगे इसके अलावा जैसे कि चीनी यूज करो आप लोग दबाकर वो भी हेल्थ के लिए एक हद तक ही आप लोग यूज़ कर सकते हो उससे ज़्यादा आप लोगों को गलत तरीके से बॉडी के ऊपर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर देगी ठीक है तो ये सारी जो चीज़ें बताई है ना आप लोगों को टाइम तो लग गया थोड़ा सा कई बार लोग कहते हैं कि सर ये तो फालतू की बातें थी ठीक है थे, लेकिन यार मेरे से कई बार ना फ्लो फ्लो में निकल जाती है तो उसके लिए सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो पर लेकिन हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइफ में आप लोग खासकर जो बाहर रह रहे हैं एज ए स्टूडेंट के तौर पर तो इनको आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो आई होप कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा फ़ायदा नहीं हुआ लग रहा है गलत हो गया तो एक नंबर काट लेना मेरा और वीडियो को डिसलाइक कर देना ठीक है <laughs> जहां भी लगा करें वीडियो को डिसलाइक कर कर बता दिया करो कि हाँ सर मैंने वीडियो इसलिए डिसलाइक कर दिया ताकि आगे से मैं उस काम को न करूं ठीक है वो हरकतें मैं सुधार लू ओके तो ये फीडबैक होता है आप लोगों की तरफ से दोस्तों अवॉर्ड एक ऐसा सेक्शन है जहां से अक्सर आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है और कहीं ना कहीं स्पोर्ट एक ऐसा एरिया है जो कि हर एक इंसान को मोटिवेट करके जाता है तो नेशनल स्पोर्ट और एडवेंचर अवार्ड जो है 2022 के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये खबर जो है वो काफ़ी दिल से तसल्ली से डिस्कस की गई तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ यहाँ पर बेसिकली रिसेंटली अभी टेबल टेनिस के जो महान खिलाड़ी हैं जिनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए इनका नाम है अचंता सरद कमल ठीक है तो ये रिसेंटली अभी इनको मेजर ध्यानचंद खेल रतन से अवार्ड एक तरीके से इनको अवार्ड मिला आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम 2022 में और ये सारे अवार्ड जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश की जो मुर्मू जी हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो अवार्ड एक ऐसा एरिया है एक आधा क्वेश्चन तो आप लोगों से एग्ज़ाम में अक्सर बन जाता है पर लेकिन कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है उसका बेसिकली अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ठीक कई बार क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंट तरीके का थोड़ा सा तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो है ये दिए जाते हैं छः कैटेगरी में और ये छः कैटेगरी जो है वो आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलती हैं इसमें कुछ और डिफरेंट भी है जो आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा छः कैटेगरी के, के साथ में एक ये वाला है जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है मेजर ध्यानचंद खेल रतन ये पहले किसी और नाम से जाना जाता था आज के डेट में हम लोग इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जानते हैं पहले राजीव गांधी खेल और रत्न अवार्ड के नाम से इसको जानते थे तो ये याद रखिएगा ये स्पेशल एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग अवार्ड है यहां पर स्पोर्ट की कैटेगरी में जो कि चार साल की कैसी परफॉर्मेंस रही उसको देखकर किसी पर्सन को ही दिया जाता है ऐसा नहीं कि एक गेम खेला और आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और ये अवार्ड आप लोगों को मिल जाएगा नहीं ये एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस है मतलब ये यू के लेवल की तैयारी आप लोग इसको बोल सकते हो ठीक है <laughs> हालांकि यू पी चार साल का नहीं पर हाँ फिर भी यहाँ पर एक तरीके से ये चार साल की बातें कर रहे हैं ठीक है मेहनत उतनी है अर्जुन अवार्ड जो है उसमें भी कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप लोग की रहनी चाहिए चार साल के लिए तो उसके लिए देते हैं इनकी कि हाँ तो बहुत शानदार यहाँ पर शानदार ठीक है द्रोणाचार्य अवार्ड नाम से आप लोग देखते हैं आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना होगा उन्होंने अपने जो भगवान हैं बेसिकली द्रोणा जी उनकी फोटो को सामने रख कर या उनकी स्टैचू बनाकर उससे शिक्षा ली देखिए शिक्षा लेना ना यार आप लोग किसी को अपने मन में मान लो कि हाँ ये इंसान जो है मेरी लाइफ जो है चेंज कर सकता है तो अगर वो इंसान को आप लोग सोच कर भी कि हाँ वो ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे मतलब उनके बारे में आप लोगों ने सुना है भले ही वो आप लोगों के सामने न हो आप लोगों ने मन में अगर किसी इंसान की अपने मन में तस्वीर बना ली तो रियलिटी में आप लोग लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो ठीक है और ये फैक्ट है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा ध्यानचंद जो अवार्ड है वो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो इस स्पोर्ट में रहता है उसके लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है तो ध्यानचंद अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रतन दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना ठीक है तो ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए और ये ओवर द फोर ईयर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है ठीक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये कॉरपोरेट जो एंटिटीज होते हैं नहीं? कई बार जो कंपनीज होती हैं वो आपस में इन कई सारे गेम कराती हैं तो उनमें यहाँ पर ताकि स्पोर्ट को और प्रमोशन किया जा सके और स्पोर्ट को बेसिकली पार्ट बनाया जा सके तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद अवार्ड जिसका नाम है माका माका ट्रॉफी अगर डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लें कि हाँ किससे रिलेटेड है तो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में जो टॉप परफॉर्मिंग करने वाली जो यूनिवर्सिटी होती है इंटर यूनिवर्सिटी जब टूर्नामेंट चलती है देखा होगा ना कई बार मूवीज़ भी दिखा देते हैं कि एक तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी के गेम होते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी जीतेगी उसमें पॉलिटिक्स भी कई बार दिखा देते हैं कई सारी मूवीज़ हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मूवीज़ या फिर स्कूल के बारे में हम लोग बात करने लगते हैं स्कूल के बीच में मैच होते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट होती है उसमें टॉप ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकल के आती है उसको माँ का अवार्ड दिया जाता है और तेंजिंग नॉर्वे जो है ये एक तरीके से एडवेंचर का अवार्ड है जो एडवेंचर वाले फील्ड होते हैं ना उनके लिए अवार्ड दिया जाता है सबकी ट्रॉफी आप लोगों को कुछ कुछ यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगी जैसे अर्जुन की अर्जुना द्रोणा की द्रोणा ठीक है ध्यानचंद जी की ये हो गए यहाँ पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन कुछ ऐसा दिया जाएगा ठीक है मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद ट्रॉफी है और तेंजिंग नोगे तो सबकी आप लोगों को अलग अलग ट्रॉफी देखने को मिलेगी और ये है किसके ये है राजीव गांधी खेल रत्न जो जिसको हम लोग आज के डेट तो में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं तो इसकी जो बेसिकली पिक्चर है यहाँ पर ये भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा भी जो अवार्ड है उसका नाम चेंज किया गया था तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन पढ़कर मत सुनाया करो एग्जाम में आप थोड़ी ना हमको क्वेश्चन पढ़ के सुनाओगे टॉपिक डिस्कस कर दिया करो और फिर वीडियो में क्वेश्चन दिखा दिया करो हम वीडियो को पॉज कर लिया करेंगे और फिर आंसर दिखा दिया करो वैसे ये सजेशन मुझे अच्छा भी लगा अगर देखा जाए तो क्यों क्योंकि जब आप लोग खुद से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो आप लोग उसको और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में पढ़ पाओगे मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ और वही मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है तो मैं बस आप लोग को आंसर बता दिया करूँगा कैसा रहेगा ये ठीक है कि नहीं है चलो एक बार ट्राई करके देखो मज़ा आता है नहीं आता है फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा वीडियो को पॉज कर लो और फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ ठीक है एक बार ट्राई कर लिया करो उससे क्या होगा आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में उसको गलत नहीं करोगे तो वहाँ पर भी अच्छे से आप लोग उसको अटैम्प्ट कर पाओगे तो सही आंसर क्या है सही आंसर यहां पर सी ठीक है तो यहां पर इंटर यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा जबकि यहां पर इंट्रा यूनिवर्सिटी बोल दिया तो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या होता है इंटर का मतलब होता है दो यूनिवर्सिटी के बीच में और इंट्रा का मतलब होता है एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजों के बीच में तो ऐसे सोच सकते हो और करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर यहां पर सी हो गया कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यार इससे लंबे समय तक चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ही फायदेमंद रहेगी अगर सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़े हो तो वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूँ सबसे बेहतरीन गेम आप लोगों को कौन सा लगता है इंडोर की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ लूडो खोलते हैं सर वो सबसे अच्छा लगता है <laughs> दिमाग लगाने वाला या मेहनत करने वाले गेम की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है लूडो को एक बेसिकली मतलब टीचर थे वो लूडो को लुल गेम बोला करते थे लुल मतलब एक तरीके से जो बिल्कुल ही खत्म हो जिसका कोई मतलब नहीं है तो वो वाला गेम बोला करते थे बाकी ऐसा नहीं कि उसकी कोई इंसल्ट करना चाह रहा है पर हाँ लूडो से भी बेहतर गेम आप लोग खेल सकते हो बहुत सारे पर मैं आउटडोर गेम की बातें कर रहा हूँ ना कि इंडोर बैठ के आराम से खेलने वाले की ठीक है तो बताइए कौन सा गेम आप लोग प्रिफर करोगे जो कि आप लोग खेल सकते हैं और आप लोगों को उसको खेलने में मजा भी आता है ओके ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर कवर किया गया छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है है ना के दो रे जो तीर में छोटे लगत घाव करत गंभीर तो वही बात है तो डिफेंस के साथ में आप लोग यहाँ पर इस टॉपिक को जो है कवर कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी कंट्री में जो कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा एक हेलीकॉप्टर जो है वो अपना कमीशन किया गया कमीशन का मतलब होता है कि उसको अब यूज करना स्टार्ट किया जाएगा ठीक है तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यहां पर ये काम किया जा रहा है तो इससे क्या होगा आप लोग अगर आज के डेट में अपनी कंट्री में अगर आप लोग बात करें तो कोस्ट गार्ड कोस्ट गार्ड का मतलब है कि हमारे कोस्टल एरिया की रक्षा करने वाली एक जो है हमारी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फोर्स ठीक है कोस्ट गार्ड हमारे देश में ऐसा नहीं कि हवा हवा में बना दी इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेब्लिश की गई थी एक फरवरी उन्नीस में यानी कि जिस साल हमारे देश में इमरजेंसी लगी मतलब उसके दो साल बाद में फिर हटी तो तब की बात की जा रही है 1978 में एक कानून लेकर आया गया उस एक्ट के हिसाब से पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर याद रखेगा इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारी कंट्री में नेवी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के साथ में और हमारी कंट्री में सेंट्रल आर्म फोर्स के साथ में और स्टेट पुलिस के साथ में मिलकर क्रूल, क्लोजली वर्क करती है क्योंकि इनका काम ही ऐसा रहता है कोस्टल एरिया में आप लोग कहीं ना कहीं अपना तेल लेकर आ रहे हैं कच्चा तेल ठीक है हमारी कंट्री में जो खासकर बात करें फिशरी वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी एरिया में काम करता हुआ तो कोस्ट गार्ड अपने ही आप में एक बेहतरीन रोल प्ले करती है यहाँ पर नजर आती है याद रखिएगा कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी तो कन्फ्यूजन आना नहीं है एक बच्चा कह रहा है सर कई बार आवाज़ ऊपर नीचे कैसे होती है <laughs> यार मैं ना कई बार बोलता होता ऐसे अभी देखो इससे बोलता बोलता मैं थोड़ा सा इसे दूर चला गया ठीक है तो नहीं कई बार मजे मजे में ना थोड़ा सा आवाज दूर चली जाती है और फिर जब मैं आके बोलता हूँ ऐसे पास में तो फर्क पड़ता है ना तो यहाँ पे इस तरीके से कई बार ना होता है मतलब फ्लो फ्लो में थोड़ा सा ना समझाने के जब मूड में रहता हो तो माइक से थोड़ा सा मुँह दूर चला जाता है तो ये सब चलती रहती है बातें ठीक है इंजॉय किया करो करो इन सब चीजों पर फोकस मत किया ठीक है अभी अगर बात करें यहां पर की फैक्ट क्या है ए एल एच के बारे में ठीक है तो ए एल एच मतलब यहां पर अगर बात करें यहां पर तो यहां पर पर्टिकुलरली हमारे देश में हमारे द्वारा खुद से बनाया गया ये सिस्टम है ए एल एच एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तो ये हमारा देश में हमारे द्वारा बनाया गया शानदार तरीका ये हेलीकॉप्टर है जिसकी हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यानी कि एच के द्वारा बनाया गया है एडवांस लेवल की रडार आप लोगों को देखने को मिलेगी मतलब सारे अपने खुद के कम्युनिकेशन सिस्टम ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सारी जो सिस्टम है बहुत ही शानदार तरीका आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा डे और नाइट दोनों काम कर सकते हैं याद है ना आप लोगों को मूवी जो बेसिकली एक मूवी आई थी बॉर्डर मूवी उसमें देखा होगा जैक श्रोव वेट करता रहता है सुबह तक कि लाइट आएगी तब जाकर वह हवाई जहाज को उड़ाएगा फिर वही बात आती है हमी हम ही हम हैं तो क्या हम हैं ही तुम हो तो क्या तुम हो तो वो अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रह गया आधी अंधेरे में भी आप लोग आसानी से हवाई जहाज बुढ़ा सकते हो और दुश्मनों को छलनी छलनी कर सकते हो किसकी वजह से वो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रडार सिस्टम है हमारा ठीक है कई सारी वेव्स यूज़ की जाती हैं वो पहचान लेती हैं कि इंसान है जिंदा या फिर मरा हुआ सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेती हैं अभी ओबे एबिलिटी हमारी काफ़ी ऑफेंसिव तरीके से भी हम लोग लेकर चलते हैं सामने वाले को टैकल करने के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग काम करते हैं ठीक है हमारी कंट्री जो आप लोग प्रॉपर वे में अगर आप लोग देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि कोस्टल एरिया है तो कहीं से भी कोई हमारे देश में एंट्री कर सकता है जैसे आप लोगों को पता है मुंबई में जब एंट्री की गई थी ताज होटल में तो कसाब के द्वारा दुनिया भर के लोगों की जान ले ली गई पर अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं 2022 में वो इंसिडेंट किस ईयर का था आप लोगों को याद है बताइए जरा किस ईयर में वो इंसिडेंट हुआ था तो आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के डेट में टेक्नोलॉजी के साथ में लहस है और बहुत कुछ डेवलपमेंट आज के डेट में हो चुका है तो हमारी कंट्री का जो कोस्टल एरिया है वो एग्जैक्ट अगर आप लोग नापने बैठोगे तो सात किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर ये लंबा नजर आएगा ठीक है तो ये पर्टिकुलर जो कोस्टल एरिया है इसमें आप लोगों को जो मैंने काउंट करके बताया टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर ये ठीक है तो यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो कल को चल के आप लोग जब इसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे तो कोस्ट गार्ड आप लोगों को बहुत बड़ा रोल प्ले करती हुई यहाँ पर नजर आती है तो कोस्टल एरिया की कोस्ट गार्ड हमारी नेवी के साथ मिलकर काम करती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे बी आप लोगों ने देखा होगा यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मिलकर काम करती है हमारी आर्मी के साथ में याद है ना बॉर्डर मूवी में जब सुनील शेट्टी जो है वो अपनी बटालियन के साथ में रहता है और फिर यहाँ पर आर्मी आ जाती है उस पोस्ट को टेक ओवर करने के लिए तो सुनील शेट्टी को पीछे हटना पड़ जाता है वहाँ पर ठीक है तो वो सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में कोस्ट गार्ड काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन नेवी के साथ में तो ये कई बार आप लोगों से देखने को क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार तो कन्फ्यूजिया आना नहीं है कोस्टल एरिया को प्रोडक्शन प्रोवाइड कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो बेसिक है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए दोस्तों अगर दुनिया में आप लोग अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय करना चाहते हो तो दो कंडीशन हैं या तो आप लोग बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हो या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ये दोनों ऐसे तरीके हैं जो आप लोग को एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी लाइफ में दे सकते हैं तो पहले वाला जो किसी अमीर खानदान में पैदा हो गया है तो, तो अपने हाथ में है नहीं है ठीक है <laughs> कि इसे अम्बानी घर में पैदा कर देता पर दूसरे वाला कम्प्लीटली आप लोग के हाथ में है मेहनत इतनी कर दो इतनी कर दो कि लोग जो हैं आके बोले कि हाँ भाई साहब ये है इंसान असली ठीक है उन्हें कहता कि जो चाहो जहाँ भी घुस जाओ वहीं पर ही जा एकदम सक्सेस हो जाओ तो सेकेंड वाले कंडीशन जो है वो तुम्हारे हाथ में है और वो एक एक तरीके से आप लोग बोल भी सकते हो कि उसमें तुम कुछ कर भी सकते हो ठीक है इन रियलिटी तो पावर तुम्हारे हाथ में है तो यहाँ पर सेकेंड वाले के बारे में बात कर रहा हूँ एक इंसान ऐसा है जो गरीब घर में पैदा हुआ है और पढ़ना चाहता है पर लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता तो पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी वहीं वही कहानी खत्म हो जाएगी एक इंसान ऐसा है कि जो अमीर घर में पैदा हुआ है ठीक है और उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसकी जिंदगी अच्छी चली जाएगी पर लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप लोग देखो संसाधन ऐसे हैं जो रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं दुनिया भर की स्कॉलरशिप है ऐसी एक स्कॉलरशिप है जिसको बोलते हैं एम ठीक है तो ये नेशनल मीन्स एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि एक ऐसी स्कॉलरशिप जो कि मेरिट के बेस पर दी जाती है यानी कि जो पढ़ने वाला बच्चा है अच्छा बच्चा है जिंदगी में कुछ करना चाहता है और ये ऐसी स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है खासकर एक ऐसे इंसान के लिए मैंने बोला जो पढ़, जो गरीब है थोड़ा सा तो गरीब का मतलब क्या हो गया इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके घर में कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं माँ बाप हैं उनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं होती है कि वो आप लोगों को एक अच्छे स्कूल में भेज सकें ठीक है वो आप लोगों को सारी फैसिलिटी दिला सकें आप लोग देखते हैं ना आज की डेट में स्कूल के अंदर में इतने खर्चे होते हैं ये बोलते हैं कि एक बच्चे को पैदा कर लो वही काफ़ी है दूसरा बाद में देख लेना क्योंकि आज की डेट में एक कोई पढ़ा ले इंसान वही काफ़ी है ठीक है तो ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हो तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है तो इस स्कीम के अंदर में आज की डेट में बहुत सारे लोगों को यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है जिनके अंदर मेरिट है यानी कि जो ठीक पढ़ने वाले बच्चे पर लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है इन्होंने कुछ अलग ही लेवल पे सोचा क्या सोचा इन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो पढ़ने में तो अच्छे थे ठीक है पर लेकिन ड्रॉप आउट हो चुके हैं क्लास एट के बाद में ठीक है यानी कि क्लास एट उन्होंने की उसके बाद में वो पढ़ ही नहीं पाए किसी न किसी रीजन के बाद किसी न किसी रीजन की वजह से तो ऐसे मेधावी छात्र को निकाल के लाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों ने देखा हो ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया पर लेकिन इन रियलिटी वो वास्तव में ही इंटेलिजेंट होते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी कोई प्रोत्साहन दे तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं तो ये स्कीम जिसको नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप बोला गया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल सेक्टर और सेंटर जो बेसिकली एक तो सेंट्रल सेक्टर होती है दूसरी स्पॉन्सर्ड होती है ठीक है स्पॉन्सर्ड बॉडी में क्या रहता है स्पॉन्सर वाले में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पैसा देना पड़ता है पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली में सारा पैसा जो सेंटर देता है तो ये वाली जो स्कीम है ये वही वाली स्कीम है जहां पर सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो ये दूसरों को आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो जो इकोनॉमिकली कोई वीकर सेक्शन का अगर बच्चा है कि ऐसा भी कोई सिस्टम है इस स्कीम के अंदर में एक लाख फ्रेश स्कॉलरशिप दी जा रही है ये बारह हजार रुपए पर एन उनको दिए जाएंगे ठीक है और ये जो अवार्ड की जाएगी एवरी ईयर तो यहाँ पर क्लास नाइन्थ लेवल ठीक है जो कंटिन्यू कर सकता है ट्वेल्थ तक का यानी कि अगर कोई आठवीं से बारहवीं तक का जाना चाहता है तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है आप लोग बोलोगे सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो लिख दिया पर लेकिन ये भी तो लिखना जरूरी है कि कितनी कंडीशन है मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ठीक है पर लेकिन कहाँ पर हम लोग बोलेंगे हाँ इतना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसके माँ बाप की इनकम अगर इतनी है तो यहाँ पर ये यह मिल जाएगी तो उसके लिए उन्होंने साफ साफ क्राइटेरिया लिख दिया है कि अगर एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप पर एनम तीन लाख पचास हजार अगर रुपए कमा रहे हैं यानी कि इससे कम ठीक है अगर इससे कम कमा रहे हैं तो वो बच्चा जो है वो ये स्कॉलरशिप ले लेता है और पेरेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पर इसमें मदर और फादर दोनों आ जाते हैं ठीक है बाबा दादी की इनकम नहीं जोड़ी जा रही है यहाँ पर या फिर आपके घर में कोई और दूसरा कमाना वाला है उसकी बात नहीं की जा रही है ये पर्टिकुलर माँ बाप और बच्चों की बात यहाँ पर की जा रही है तो तीन लाख पचास हजार अब आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताओ कि मंथली इनकम कितनी पड़ेगी यहाँ पर यानी कि मंथली इनकम कितनी होगी अगर इतनी मंथली इनकम उससे कम है तो यहां पर आप लोगों को स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी ये आप लोगों के लिए तो काफी एक अच्छा ये तरीका है एक ऐसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो कि रियलिटी में लाइफ में कुछ करना चाहता है तो क्वेश्चन भी बन सकता है वैसे तो पर लेकिन वैसे जरूरी उसका पता होना चाहिए ताकि किसी को आप लोग बता भी सको ये ठीक है तो काफी अच्छा है ये तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा एक ऐसी न्यूज है जो कि देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी और गवर्नेंस के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इकोनॉमी के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं यानी कि जीएस पेपर टू के साथ में भी और जीएस पेपर थ्री के साथ में भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि देश में इन्वेस्टमेंट करना और उसका ढांचा बढ़ाना और ढांचा बढ़ते क्या होगा मान लीजिए कहीं पर कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट्री सेटअप होना स्टार्ट होगी अब आप लोग सोचो उस एरिया में उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको लैंड चाहिएगा पैसा चाहिएगा वर्कर चाहिएगा तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा लोग जो उस एरिया में रहते हैं उनको इंप्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस एरिया में कोई रॉ मेटेरियल अगर है मान लीजिए इन्होंने यहां पर क्या बेसिकली आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री यहां पर लगा दी तो वो क्या करेगा उस एरिया का रॉ मेटीरियल यानी कि आलू भी जाएगा यहां पर अगर बात करो इन्होंने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगा दी तो आटा आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो गेहूं जाएगा उस एरिया का वीट जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो एक पर्टिकुलर ढांचा कहीं पर लगाने का मतलब सीधा सीधा यह है कि उस एरिया में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देना तो ये कहीं ना कहीं पैसे से होगा तो इन्वेस्टमेंट और ढांचा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी जीडीपी यानी कि एक तरीके से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि घरल सकेलू जो घरत एक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा ठीक है इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें रिसेंटली अभी पांचवी मीटिंग हुई यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल की जिसमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड की बात की एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखेगा जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना हम लोग तो इसमें ऐसा नहीं कि हमारे ही देश से इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम लोग तो इसको अगर बात किया जाए तो आप लोग ये बोल सकते हो सीधा सीधा कि हम लोग अपने तो लिए करेंगे करेंगे बाहर का भी अगर कोई आएगा तो उसमें भी मतलब काम चल सकता है यानी कि अपना नहीं बस ऐसा नहीं कि हमसे ही पैसा लेना है बाहर का भी कोई आएगा ठीक है तो उससे भी हमारी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगी यानी कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी ठीक है तो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो उनको मनाना भी पड़ना पड़ता है कि भाई देख हमारे देश में आ जाए यार यहाँ ना हम तुमको बहुत सारे फायदे देंगे चाइना ने ऐसे ही तो किया पिछले कुछ दशकों में चाइना ने बाहर के लोगों को अपने यहाँ बुलाया कि देख भाई ना तो हम तुम्हारे यहाँ पर ऊपर कोई नेगेटिव पेनल्टी लगाएंगे तुम आओगे यहाँ पर अपनी कोई दुकान खोलोगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सामान बनाने के लिए आईफोन वालों को बोल दे कि आ जाओ हमारे यहाँ पे जमीन कितनी चाहिए अरे कोड़ी के भाव दे देंगे सारी हमारे हाथ में तो है तो उनको बोला टैक्स अरे टैक्स जितना कहोगे हटा देंगे भाई तुम आओ बस बनाओ तो मतलब उनको इतना कंफर्टेबल जोन दे दिया कि सारी कंपनी भागी भागी, भागी चाइना के जहाँ यहाँ पर जाकर लेट गई पर लेकिन इंडिया में जमीन अगर तुमको लेनी है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है जमीन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारे देश में अगर किसी को फैक्ट्री लगानी है तो पहले लोगों की कुसामंद करनी पड़ेगी कि भाई साहब अपनी ज़मीन दे दो ठीक है और जमीन जो है वो इंसान की इज्जत के साथ में कनेक्ट है हमारे देश में एक ये सबसे ख़तरनाक चीज़ हो जाता है वो ज़मीन बेचे तो उसकी इज्जत ख़त्म हो जाए कि देख इसने माँ बाप की ज़मीन बेच दी तो हमारी कंट्री में इमोशनैलिटी में चीज़ें ज़्यादा रहती हैं गवर्नमेंट के हाथ में ज़मीन नहीं है क्योंकि जमीन जो है वो प्राइवेट सब्जेक्ट है पर चाइना में कितना चाहिए बता दो बस एक बार गवर्नमेंट तुमको सब प्रोवाइड करा देगी इसीलिए जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो पहले सरकार को लोगों की कुसामन करनी पड़ती है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ से कोई ट्रैक निकलेगा यहाँ से निकलेगा अपनी जमीन दे दो उनको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर चलता है तो ये कई कंडीशन देखने को मिलती है तो हमारे देश में किसी को बुलाना पहले उसको एश्योर करना होता है कि हाँ आओ तुमको ये फायदे होंगे और सब देशों में ऐसे होता है पर किस देश में ज़्यादा फायदे होंगे इन्वेस्टर तो वहां जाएगा उसको तब ना पैसा लगाना है पैसे से पैसा बनाना है तो यहाँ पर फिफ्थ मीटिंग जो गवर्निंग काउंसिल की अभी रिसेंटली देखने को मिली हमारी कंट्री के जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बताइए उनके द्वारा ये पर्टिकुलर जो मीटिंग है वो चेयर की गई इसमें कॉरपोरेट ग्रुप के जो मतलब हमारे बिजनेस बिजनेसमैंस थे जो इन्वेस्टर आ रखे हैं बाहर से वो थे और पॉलिसी सेक्टर के भी लोग थे जो पॉलिसी बनाने वाले यानी कि एक तरीके से जैसे कि आप लोग कल को यूपीएससी क्लियर करके जाते हो तो आप लोग भी जाकर इनके पीछे बैठोगे जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन होगी उसके बारे में बात की जाएगी ताकि सबको इकट्ठा करके पता चलाया जा सके अच्छा भाई तू बता रहे, उस एरिया में पानी की फैसिलिटी नहीं है कब तक टंकी लग जाएगी दो अच्छा खंबे नहीं है बिजली भी नहीं आई वहाँ पर बिजली कब तक पहुंचेगी तो बता तो ये सारी जब एक जगह आ जाएंगे तो सबको कंफर्टेबल जोन जो अच्छा बिजली खंबे भी आ गए भी आ गया जमीन वाला जमीन खाली करवा दी वहां सारी यहां पे फैक्ट्री लगनी है ठीक है इन्वेस्टर आगे कह रहा हैं हाँ सर अब सारी चीज सही है तो मैं यहाँ पर पांच हजार करोड़ रुपए लगा दूंगा तो ये सब जब एक जगह बैठे होंगे तो ये सारा तरीका ही रहता है कि सबसे मिलकर बात की जाए और फिर वहां पर बिजनेस को स्टार्ट किया जाए ठीक है तो गवर्नमेंट का जो ये फंड है कहीं ना कहीं ये एक तरीका इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरनेशनल के भी लोग आएंगे और हमारे भी लोग आएंगे आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और काम धंधा स्टार्ट करेंगे तो इसको तीन नाम से पुकारा जा रहा है मास्टर फंड बोला गया फंड ऑफ फंड्स बोला गया है और स्ट्रेटेजिक फंड बोला गया तो ये जो तीन फंड है इनमें यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर अभी जो है ये चीजें आ रही हैं इससे क्या होगा पैसा उठाया जाएगा सरकार के द्वारा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं दोनों आकर यहां पर लगाएंगे और अब फिलहाल के टाइम पर जो सबसे रिसेंटली अभी प्रपोज किया गया वो है इंडिया और जापान जापान वाले ऐसे हैं ना जहां भी उनको मौका मिलता है शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का और लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठाने का वो हमेशा करते हैं अपनी कंट्री मेट्रो देख लो मेट्रो जापान की मेट्रो बोल सकते हो एक तरीके से हमारे देश में चल रही है इतना ह्यूज जापान ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या करते हैं जैसे कि बना दी मेट्रो उसके बाद में क्या करेंगे खुद से ऑपरेट करेंगे अपनी कमाई करेंगे और फिर उस ढांचे को छोड़ के चले जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में जब उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया था उस एग्रीमेंट के हिसाब से अपनी कमाई कर ली है ठीक है यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को बोलू कि यार मुझे एक घर बना के दे दो ठीक है मतलब कि मुझे एक घर नहीं है मेरे पास में तो एक घर चाहिए तो अभी फिलहाल मैं प्राइवेट अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो आप लोग बोलो कि हाँ घर तो बना के दे देंगे पर पहले हम लोग उस घर को किराए पर चढ़ाएंगे तो पहले जो हम लोगों ने पैसा लगाया है वो पैसा हम लोग रिकवर करेंगे तो मान लीजिए आप लोगों ने वहाँ पर जो ऐसी पोस्ट कॉलोनी में वो घर ले लिया जहाँ पर किराया भी कोई मतलब सेलिब्रिटी आके रहने लगा तो वहाँ पर वो चार चार पाँच पाँच लाख रुपये महीना दे रहा है आप लोग रहने का अच्छा खासा घर है तो आप लोग पहले अपना पैसा रिकवर करोगे और जब पैसा रिकवर हो जाएगा फिर आप लोग बोलोगे कि ठीक है अब है आपका घर आप इसमें रो जागे तो ये ऐसे कंडीशन आप लोग बोल सकते हो तो यहाँ से ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा और कोई भी देश अगर सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो कमाई कर रहा है अच्छे से और वहाँ पर तभी हो पा रही है जब कोई आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ठीक है तो इस सारी चीजें एक एक पॉइंट जो है इसमें याद रखेगा कि चेयर किसके द्वारा की जा रही है कौन कौन से फंड है अभी जापान के साथ में हुआ है पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं सेम चीज हिंदी में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी है तो टेंशन नहीं लेने का ठीक है अच्छे से चीजों को देखो डाउट हुआ करे तो पूछा करो वीडियो को पॉज करो और बताओ कि पिक्चर में क्या दिख रहा है कछुआ है सांप है मेंढक है या कुछ और दिखाई दे रहा है <laughs> सर कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं या, या आप लोग यहां पर कछुआ दिखाई देगा ठीक है कछुए का नाम क्या है इसको इसको रेड क्राउंड इसको आप लोग रूफ टर्टल बोलते हो रेड क्राउंड रूफ टर्टल आर सी आर टी अभी क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो वो जान लेते हैं इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर प्रपोजल किया गया था कि प्रोटेक्ट किया जाए यहाँ पर जो ए पर्टिकुलर टर्टल है यहाँ पर ठीक है इसको कन्वेंशन जो है बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड जो स्पीसीज है उसके तहत में ठीक है तो इसको आप लोग यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं ऑप्शन में यही रखा हुआ मिलेगा और आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया पढ़ा तो हम लोगों ने कुछ था इंग्लिश में कुछ कुछ लिखा होता अंग्रेज टाइप में कि रेड ट्राउन रेड क्राउन प्राउन पता नहीं क्या क्या लिखा होता ऐसा तो कुछ वहाँ था नहीं सर ने तो हमारे साथ में धोखा कर दिया ठीक है तो ये बिल्कुल धोखा हो गया

और ये क्या है ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है भाई साहब यहां पर आप लोग समझ सकते हैं तो सीआईटीएस के अंदर में इसको अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया तो प्रपोजल है कि बेटर प्रोटेक्शन मिले और बेटर प्रोटेक्शन जो है वो अपेंडिक्स वन में मिलता है ना कि सेकंड में तो इसको सेकंड में से वन में ले जाने के लिए यहां पर बात की जा रही है इंडिया के द्वारा समझ में आ गया पूरा न्यूज है? तो ये एक ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेश वॉटर टर्टल स्पीसीज है जो कि डीप फ्लोइंग रिवर या फिर जो भी टेरेस्ट्रियल जो नेस्टिंग साइट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि जहां पर ये अपने अंडे वगैरह दे सकते हैं या फिर बहुत ही गहरी जो नदियां होती हैं वहां पर देखने को मिलेगा पर लेकिन देश में कहा मिलते हैं हम लोग ऐसा नहीं अपने देश के बारे में बस बातें कर रहे हैं ये आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा बांग्लादेश में देखने को मिलेगा नेपाल में देखने को मिलेगा तो ये वो एरिया है जहां पर नॉर्मली ये पाया जाता है यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा आराम से लॉस और डिग्रेडेशन जो हो रहा है आज के डेट में नदियों का नदियां में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता जा रहा है ठीक है इलीगल फिशिंग उसकी वजह से दिक्कत पोचिंग इलीगल ट्रेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती हैं तो रेड क्राउंड रूफ्ड जो टर्टल है यहाँ पर उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं उसको बोला गया कि एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए आईस के अंदर में अपेंडिक्स वन में इसको रखा जाए तो इसकी वजह से ये न्यूज में है वैसे प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर तीन ही है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक प्रोटेक्शन तो ये बताता है कि भाई साहब इससे प्रोटेक्ट कर लो ये आप लोगों को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए वरना खत्म हो जाएगी ये ये कहता है कि अगर कोई इस कैटेगरी में डाल दिया है तो इसका व्यापार मत करो आप लोग अपेंडिक्स वन में आ जाता है तो इसको बिल्कुल और रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि इसका व्यापार नहीं कर सकते और हमारे देश में जो भी चीजें होती हैं उनको हम लोग इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन का इसके शेड्यूल वन में भी अच्छी खासी प्रोटेक्शन आप लोग को देखने को मिलती है तो ये रेड क्राउंड टर्टल जो आप लोगों से पूछा जाए कि क्या मतलब है और क्या क्या चीजें चल रही हैं तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में और ऐसा क्वेश्चन खासकर यूपीएससी आप लोगों से जरूर पूछती है ठीक है यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ना पूछे आप लोगों को पता होना चाहिए देश के अंदर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं आप लोग जान लोगे इनके बारे में तो कहीं ना कहीं सामने वालों को लगेगा पढ़ा लिखा इंसान है जानता है बातें ठीक है तो सारी बातें अगर आप लोग हिंदी भाषी हैं तो आप लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है जाकर आप लोग चीजों को देख सकते हैं ठीक है समझ में नहीं आ तो बताना फिर से समझा देंगे क्योंकि आर्टिकल कई सारे आते रहते हैं तो फिर से जब भी डिस्कस करूंगा तो उसके बारे में बातें कर लेंगे ओके ये ऐसी न्यूज है जो कि आप लोगों से पहले डिस्कस किए यहां पर ये वाली तो पर लेकिन ये वाली काफी इंपोर्टेंट है जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है हमारे देश यानी कि इंडिया को एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है आप लोगों को पता होगा हमारे देश में अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो है फैमिली प्लानिंग के ऊपर लेकर आए कि बच्चे दो ही अच्छे इससे फालतू करोगे तो भाई साहब अपने घर की बात अपने पास ही थामना हम लोग उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएगी तो ऐसे कई सारे राज्य फैमिली प्लानिंग की बातें कर रहे हैं क्या फैमिली प्लानिंग की बातें इस लेवल पर करना सही है ये एक तरीके से ऐसा इशू है जो कि काफ़ी डिबेटेबल है बहुत सारी दुनिया में कंट्री ऐसी जैसे जापान हो गया यूरोप में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर लोग बूढ़े हो रहे हैं इलोन मस्क खुद कहते हैं कि बच्चे जितने करो उतने कम हैं क्योंकि आने वाले टाइम में दिक्कतें होने वाली हैं खासकर जनरेशन को लेकर तो ये सबका अपना अपना विचार है पर हमारे यहाँ तो भगवान अल्लाह उसका ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है हम तो इन चीज़ों में बड़े माहिर हैं हमारे यहाँ पर तो इसलिए हम लोग जो हैं दुनिया में टॉप पे पहुंचने वाले होते हैं ठीक है हमारे यहाँ बिजली काफ़ी कम जाती हमारे यहाँ बिजली काफ़ी कम रहती है ना खासकर ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं <laughs> तो मतलब क्या है कहने का मतलब है कि हमको प्लानिंग की ज़रूरत है उनको प्लानिंग की जरूरत नहीं है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी होती जा रही है तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग ये जो अवार्ड है तो ये इंडिया ने जीता है और कहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग कहां पर हुआ थाईलैंड के अंदर में थाईलैंड ठीक है वो भी कहां पर रहा है ठीक है फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है अभी थाईलैंड में बैठ के चलिए जो भी है तो हमने अवार्ड जीत लिया है नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये कहां पर हुई काउंटर द टेरिज्म फाइनेंसिंग तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बनेगा हमारे देश के अंदर में ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिली और कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा क्या रहता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है कटास कैसे जाए खासकर इसको लेकर ताकि कल को चलकर कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत है तो उसको कंट्रोल किया जा सके तो मनी को लेकर काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये बातें हो जाती है तो मनी भाई की बातें चल रही हैं तो इसको आप लोग समझ सकते हैं तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कोई कंफ्यूजन हुआ तो उसको दूर करना आप लोगों को ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन जाया करते हैं तो दोनों के दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट लोकेशन और किससे रिलेटेड है और अवॉर्ड है अवार्ड के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके दोस्तों ये सेक्शन होता है हमारा छोटू कौन बनेगा करोड़पति यानी कि ये छोटा सा कौन बनेगा करोड़पति का, का सेशन है जिसमें आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन होते हैं एक सी सेट का भी क्वेश्चन होता है इसका आप लोगों को आंसर देना होता है पहले सारे क्वेश्चन आप लोगों में दिखाऊंगा फिर आप लोग आंसर देना और फिर मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा ठीक है पहले एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं बात की जा रही है यहाँ पर आर टी मिसिनन ये आर टी मिसिनन एक मेजर कॉम्पोनेट है ऑफ ड्रग अगेंस्ट विस डिजीज यानी कौन सी बीमारी के तहत यहाँ पर ये एक तरीके से दवाई का पार्ट है एक औषधि के तौर पर यूज की जाती है तो ये आप लोगों को बताना है किससे रिलेटेड है यहां पर डायबिटीज मधुमेह मलेरिया मलेरिया सास इसी के साथ में यहां पर यह है पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आप लोग इसको बोल सकते हैं यानी कि कोविड वाला वायरस ठीक है तो यह है आंसर क्या आप लोग हिसाब से ए बी सी एफ डी बताइए नेक्स्ट यहां ने पर बात की जा रही है यह यहां पर शोंग या फिर मोनस्टर मिसाइल तो दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप लोग ये मत बोलना है ये कहां से आ गया पढ़ा क्या था क्या क्योंकि अक्सर एग्जाम में आप लोगों के साथ में गेम खेला जाता है पहला नाम कुछ और होगा दूसरा कुछ और होगा अक्सर एक दूसरा पूछ लिया जाता है ठीक है तो ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है तो कोई खतरनाक सा नाम है ना मोनेस्टर मिसाइल तो खतरनाक सी कंट्री होगी सोचो कौन सा है चाइना नहीं है ठीक है जापान नहीं है अब यह तो इसराइल है या नॉर्थ कोरिया है तो कौन सी खतरनाक है इनमें से ज्यादा आप लोगों के हिसाब से आप लोग बताइए देखता हो आप लोग इसका कैसे आंसर देंगे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे नेशनल डे जो हमारे देश में से रिलेटेड है वो कौन सा है 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 वो वो तो आप लोगों को है। जो वर्ल्ड डे की थी में दो की थीम क्या इंक्लूजन इंक्लूजन फॉर फॉर एवरी चाइल्ड चाइल्ड राइट्स इंटरनेशनल इसी के साथ में चाइल्ड राइट right, इसी के साथ में इंटरनेशनल टुगेदरनेस डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल तो सही आंसर क्या है और सही डेट भी आप लोगों को बतानी है किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बताइएगा नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर यह है कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में एक और बात एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी वाले भी पढ़ दिया करो यार देखो आप लोग खुद सोचो एक तरीके से जब हिंदी लिखी हुई है तो आप लोग इसको आसानी से मैं बोल तो हिंदी में ही रहूं ना इंग्लिश में थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं तो ये इसलिए है ताकि आप लोग अपना आसानी से जाकर फिर बैठे रिविजन करें तो आप लोगों को टेंशन ना रहे इसीलिए पीपीटी जो है वो हिंदी में कन्वर्ट की गई आप लोगों ने देखा होगा तो अगर हिंदी में भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो अब आप लोगों को नहीं होनी चाहिए वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यार हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ो क्योंकि आगे चलकर दोनों ही लैंग्वेज बहुत काम आने वाली है ठीक है खुद देख लो सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन इंग्लिश में आते हैं अब क्या बोलोगे आप लोग उसको ठीक है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कहाँ जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती है ठीक है वहाँ पर कल को पोस्टेड हो जाते हो तो क्या करोगे तो थोड़ा सा इंग्लिश से डरो मत उसको फ्रेंडली नेचर में लेकर चलो कि सीखना एक लैंग्वेज ही था यार थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो तो हल्की हल्की सी चीजें कमांड होनी स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की ठीक है डरना नहीं है डरना मन है जब तक डरोगे नहीं तब तक चीजें सही चलती रहेंगी जब डरोगे तो दिक्कत होगी ठीक है तो सिक्किम हो गया अरुणाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट बंगाल सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताने एक क्वेश्चन यहां पर सी सेट का भी होता है तो सी सेट का क्वेश्चन है वीडियो को पोज कर, कर इसका आंसर देना ए में बोला गया पांच मिनट बी में दस सी में चार और डी में नो सही आंसर क्या है बताइए फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा यहां पर हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में जिसका नाम है डोन रिवर ठीक है तो डोन रिवर जो है ये अगर आप लोगों से पूछा जाए इसके बारे में कि कहाँ पर ये बहती है क्या क्या है इसके बारे में तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा सबसे पहले ये आप लोगों को देखने को मिलेगी रसिया के अंदर में इसकी जो लेंथ है वो है एक किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी के साथ में जो देखिए कई बार ना जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंट्री न्यूज़ में है तो आप लोगों से उस कंट्री की फिज़िकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है ठीक है तो आप लोगों को अगर देखोगे तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो तो फिजिकल चीज़ें या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ लेंगे डोन रिवर के बारे में जैसे यहां पर एक पर्टिकुलर एम्पायर है इस पर्टिकुलर नदी से रिलेटेड जिसका नाम है यहां पर बिजेंटिन ठीक है ठीक है तो यहां पर ये एम्पायर है जो कि इससे ट्रेड व्यापार भी हुआ करते थे पुराने टाइम में तो इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो ये बात की जा रही है इस पर्टिकुलर रिवर के बारे में तो देख लेना यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है यहाँ पर कई सारी चीजें आसपास में देखने को मिल जाती हैं जैसे दारू की भट्टी और ये सब चीजें तो ये आपके काम के नहीं है बस आप हाँ फिर भी जब डालता हूँ तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ किसी को इंटरेस्ट हो कि आप थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं उसके बारे में तो पीपीटी में मिल जाती हैं सारी चीजें तो इन्जॉय कर सकते हो ओके आंसर देख लेते हैं इसके बाद में जो आप लोगों का अगला सेशन होगा उसमें हम लोग करेंगे वो डिस्कस ठीक है तो यहां पर आंसर में जो ये पर्टिकुलर आप लोगों को ड्रग बताई गई है ये है मलेरिया के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की एक नई स्ट्रेटजी ताकि एंटी मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस जो है खासकर अफ्रीका के अंदर में अफ्रीका में बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है वहां पर प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए और ये रिसेंटली अभी यहां पर लॉन्च किया गया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो भी किया

जो कि आप लोगों को डे दे देखने को मिलता है किस डे में सेलिब्रेट किया जाता है सबसे पहले जब ये सेलिब्रेट किया गया था वो 1954 में डे सेलिब्रेट किया गया था तो ये आप लोग याद रखेगा तो यहां पर बेसिकली चाइल्ड राइट्स के बारे में बात की जाती है जैसे हमारे संविधान के अंदर जाओगे तो आर्टिकल 24 जो है ना संविधान के अंदर में पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट right में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में तो ये आर्टिकल 24 फोर यहाँ पर जो है ये चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट right के बारे में बात करता है काफ़ी अच्छे से तो इसको भी आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है बेसिक इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट यहाँ पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो कई बार कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट न्यूज में रहते हैं तो उनके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को रहेगा तो आप लोग उसको समझ सकते हैं तो बात की जा रही है कमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में तो ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा खासकर नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं यहाँ से ठीक है तो ये आप लोग याद रखेगा तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ये बिगेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री में जो मिनी मिनिनी पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है जिसका नाम है निपको ठीक है एनडब्ल्यू पीसीओ लिमिटेड उसके द्वारा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ताकि अरुणाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया जा सके तो यह इसके पीछे बेसिक पर्पज ठीक है सी सेट का क्वेश्चन हो गया इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा दस मिनट ठीक है आंसर क्या हो गया आंसर यहां पर बी हो गया तो आना नहीं है ये होगी आप लोगों का बेसिकली रिवर अभी आप लोगों से बात करूंगा वो कैबलरी के बारे में तो ध्यान से सुनना और सेंटेंस होम करने की कोशिश जरूर करिएगा एटलीस्ट ओके okay? ये जो वो कैबलरी वाला सेक्शन होता है इसको इतना इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोलता हूं क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा जब कोई इंग्लिश बोल रहा है एटलीस्ट समझोगे तो सामने से और कुछ बोलने की भी कोशिश करोगे तो इसलिए शब्द जो होते हैं डेली आप लोग की इंग्लिश बोलने का भी और लिखने का भी इंप्रूव करेंगे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है वरना एग्जाम में भी अगर नहीं पूछा जा रहा है आप लोग की लाइफ तो इंप्रूवमेंट कर ही रहा है और वैसे एग्जाम में पूछे जाते पूछा जाता है एनडीएसएससी बैंकिंग कहीं देख लो एंटोनिम्स एंटोनियम्सियम्स भर भर के आते हैं अगर सी सेट के पेपर में आप लोग जो पैराग्राफ्स लिखा है वही नहीं समझ पाओगे तो आंसर कैसे दोगे तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कमांड कर लेनी चाहिए लैंग्वेज के ऊपर तो एटलीस्ट एक दो सेंटेंस तो फ्रेम करके जरूर देखा करो अगर आप लोग इनको याद करना चाहते हो तो पहला शब्द जो है यहां पर यह है ग्रेसले यानी कि भयंकर यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक एक तरीके से घरना से भरा हुआ आं तक आप लोग बोल सकते हो घृशंभी भी इसको कई बार बोलते हैं तो कहने का मतलब यहां पर कई बार आते हैं तो डर गए यार एक ऐसा ऐसी घटना हो गई तो हॉरिफिक बोल देते हैं कई बार कई सारे लोग पर इसके अपोजिट में जाएंगे तो बड़ा ही प्लीजेंट था यार अट्रैक्टिव था बड़ा ही शांत था तो ये आप लोगों को शब्द देखने को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट यहां पर ये बात की जा रही है रिफैक्टरी यानी कि एक तरीके से अज्ञान या फिर ना मानना ठीक है इस स्टमन्यू तो कई बार मैं आप लोगों को कि ये काम कर लो कि नहीं करेंगे कर लो जो करना है ठीक है तो एक तरीके से सहन करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा बोल कैसे दिया एक तरीके से इंसान ना मानने के लिए तैयार है ना, ना सहन करने के लिए तैयार है तो ये रिफैक्टरी आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो कई बार आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है सामने वाला कौन सा होगा अच्छे से बातें मान रहा है एक तरीके से ना इज्जत से पेश आ रहा है और एक तरीके से रेस्पेक्ट भी कर रहा है कि हाँ मुझे ऐसी बातें बता दे तो उससे इंसान जो हो जाए और ज्यादा एक तरीके से नहीं एक और अपने करेक्टर को निभाता हुआ निखारता हुआ नजर आता है नेक्स्ट यहां पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा गेट वेल सून यानी कि जल्दी जल्दी सही हो जाओ यार इंजॉय करो लाइफ को इसी का शब्द है यहाँ पर रिक्यूपरेट ठीक है अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल पर बोलना है तो रिकवरी फ्रॉम द इलनेस और जो जो भी चीजें चल रही हैं यहां पर उससे उबरना एक रिकवरी लेना इंप्रूव करना अपनी जिंदगी को ठीक है एक अच्छे लेवल पर लेकर आना और ज्यादा शानदार तरीके से जिंदगी को एंजॉय करना यहां पर क्या होता है डिटोरेट करना और ज्यादा खराब कर लेना ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो यानी कि अपोजिट में जाने वाली चीज हो जाती है, है उनको बोलते हैं एंटोनिम्स जो लिखा है उसके जस्ट अपोजिट में जाना नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है ये हीव एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर एक तरीके से किसी चीज को उठाना ढोना या फिर एक तरीके से नापना भी आप लोग बोल देते हो कई बार नहीं कि एक उत्तोलन पड़ा है ना आप लोगों ने एक तरीके से जो फिजिक्स के अंदर में कई बार ठीक है तो चीजों को लिफ्ट कराना आप लोग बोल सकते हैं यहां पर ग्रेट अफर्ट के साथ में ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठ गया ठीक है थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि कई बार देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है यहां पर इंटीमीडिएट ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा धमकाना किसी को डराना ठीक है एक तरीके से फाइट करना किसी बात पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाना बिना किसी बात के ठीक है तो एक कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं यहां पर जो शब्द होना चाहिए कि अपना काम निकालने के लिए सामने वाले को जो है धमकाना ठीक है पर लेकिन दूसरा क्या है सामने वाले को प्रेस करना प्लीज करना उसको कंफर्टेबल फील कराना तो दोनों ही शब्द जो है अपोजिट हैं एक दूसरे के तो इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करना और ये वो शब्द हैं जो कि बड़ी रेगुलरली आप लोगों को यूज होते हुए नजर आएंगे कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए अगर होगा तो उसको दूर करना है आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी कोई डाउट है तो बताना उसको दूर किया जाएगा ओके तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो और यार ये चीजें आप लोगों के लिए है सेंटेंस फॉर्म करने में शर्म नहीं करनी है गलत तो होगा ज्यादा से ज्यादा पीटूंगा क्या मैं आप लोग को आगे यहां पर या कोई आप लोग को आगे पीटने लगेगा ठीक है और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी कुछ गलत लिख रहा है तो उसको सही किया करो करेक्ट किया करो कमेंट नहीं करना है किसी पर भी परिवार में क्या होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है एक दूसरे साथ में लेकर चलना होता है ये इतनी तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना ये जरूर किया करो यार एक दूसरे को सपोर्ट कर कर ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं ठीक है ठेके? और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको बता दिया करो कहीं पर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे बता दिया करो उसको इंप्रूव कर लेंगे ये सारी चीजें कोऑपरेशन के साथ में चलती है ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन चला रहा हूं मैं यहाँ पर आप लोग कॉपरेट बनाए रखा करो बढ़िया बढ़िया स्कीम इंप्लीमेंट करते रहेंगे सबका फायदा होता रहेगा है कि नहीं तो ये था पूरा वो कैलरी वाला सेक्शन कैसा लगा जरूर बताना तो प्रोमिस करो कि आज का दिन जो है बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो और जो भी डिसाइड किया है आज मॉर्निंग में इवनिंग तक आप लोग उसको बिल्कुल खत्म करने वाले हो यानी कि दिन को निचोड़ने वाले हो जब तक दिन अच्छे से नहीं निचोड़ोगे तब तक शांति में शाम को सोगे नहीं यानी कि अपना डिसाइड किया हुआ काम जो है वो कंप्लीट करना है ठीक है तो मोरारजी देसाई जी जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनके बारे में ना आप लोगों से बात भी की थी तो सारी बातें आप लोगों को बताई थी इनके बारे में तो बता चुका था ना पहले इनके बारे में बता चुका था मैं चलिए अच्छे से रिविजन करते रहिए मोरारजी देसाई जी के बारे में फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आप लोग को देखने को मिले ठीक है तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना जो भी कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो यार अपना ही अपना ही और परिवार का सदस्य समझो मुझे भी <laughs> बेघाना मत बनाओ तो इसी के साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं स्ट्रिल और वीर पर कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो यहाँ सेंड कर दिया करो इसी के साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए टेलीग्राम पर आ जाया करो या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हो बाकी अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो और अच्छा लगे तो चीज़ों को दूसरों तक पढ़ा दिया करो उसको समझा दिया करो नहीं टाइम है तो शेयर कर दिया करो फीडबैक दे दिया करो एक सेकेंड लगती है प्यार बांटने से बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो मिलता तब तक को ध्यान रखिए बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करा मिलता तो हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद